నితిలీలా ప్రవిష్ణం విష్ణుం పాద అష్టోతర శత శ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి శ్రీరు సిద్ధాంతి గోస్వామి మహారాజ్ కే చరణ కమల మే అనంత కోటి సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణామ కర్తా. తత్పశ్చాత్ మరి శిక్షా గురు పాద పద్మ నితిలీలా ప్రవిష్ణం విష్ణు పాద అష్టోతర శత శ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి వేదాంత శ్రీల నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్ కే చరణ సరోజమే శ్రద్ధా పుష్పాంజలి అర్పణ కర్తా. ఉపస్థిత్ వైష్ణవ వైష్ణవీ మాతా పితాయ భాయి బే సభికో మే యథాయోగ్య ప్రణామ కర్తా. గత కల్లి హమ్ లోగ్ శ్రవణ కర్ రహే థే శ్రీ జగన్నాథ్ జీ కీ మహిమా. జగన్నాథ్ జీ ఔర్ కోయి నహీ, యే స్వయం కృష్ణ హీ హే. బ్రజ ప్రేమ్ మే, విశేష కర్కే రాధారాణి కీ ప్రేమ్ మే స్వయం కృష్ణ ద్రవీభూత హోకర్ కే కదియ శ్రీ జగన్నాథ్ జీ కా రూప్ కో ఉన్నె ధారణ కియా హే. ఇస్లియే కల్ హమ్ లోగ్ శ్రవణ కర్ రహే థే రథ యాత్రా కా మతలబ్ హోతా హే కైసే శ్రీ రాధా రాణీ అప్నా హృదయ రూపే రథ మే కృష్ణ కో బైఠా కర్కే కురుక్షేత్ర సే వో లే జా రహీ హే వృందావన లే జా రహీ హే. ఇస్లియే రాధా రాణీ కహతీ హే శ్యామ సుందర आने रे हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक कार्यमानी के. दूसरा का जो हृदय वो मन है, लेकिन जो मेरी मन है बोले मेरे मन मन नहीं, मेरे मन तो सिर्फ वृंदावन है. अगर आप मुझे आनंद देना चाहते हो हमारी हृदय रूपी रथ में बैठो, चलो आपको हम ले चलते हैं सिर्फ वृंदावन ले चलते हैं. जब हम यमुना किनारा में, जब भगवान बंसी बटो के नीचे, जब भगवान दिव्य बंसी ध्वनि करते हैं, बंसी ध्वनि को द्वारा जैसे ब्रज गोपियों को प्रभु आकर्षण करके जब रास करते हैं, निकुंज में जब हम लीला करते हैं, वो जो दिव्य आनंद है, कि ये आनंद यहाँ पर नहीं. अगर हमें आनंद देना चाहते हो हृदय विराट में बैठो और वृंदावन ले चलते. ये श्री रथ यात्रा है, इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे. अभी हमारा हृदय रूपी रथ में अभी ठाकुर जी को बैठना है, लेकिन ठाकुर तो जहां तक बैठ नहीं सकते. ठाकुर तो वहीं बैठते हैं जहां पवित्र हो, जहां निर्मल हो, जहां पर कोई काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य जहां नहीं हो, ठाकुर जी वहीं पर ही बैठेंगे. इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना परिकरों को लेकर के, महाप्रभु अपना भक्तों को लेकर के वो गुंडीचा मंदिर में अर्चना करने जाते हैं. जहां पर भगवान बैठेंगे वो मंदिर साफ सुथरा होनी चाहिए. इसलिए स्वयं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु राधा भाव से विभावित होकर के अभी राधा की हृदय रूपी मंदिर में अभी कन्हैया को श्याम सुंदर को बैठाना है, अभी उसको साफ सुथरा करनी चाहिए. इसलिए महाप्रभु स्वयं अपना परिकरों को लेकर के श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास पंडित, हैं स्वरूप दामोदर, पूरा अपना परिकरों को लेकर के हैं. इसलिए कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया कारी सपार्षदसियो धाम सहावतारी. इसलिए महाप्रभु अकेले नहीं, जब श्री गोलोक वृंदावन से आते हैं पूरा अपना परिकर, अपना पूरा भक्तों को लेकर के संपूर्ण गोलोक वृंदावन को ही इसी जगत में ठाकुर जी उतार देते हैं. इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये मंदिर मार्जन का कितने महत्व है. जिस मंदिर मार्जन में स्वयं सखियां भगवान की जो निकुंज मंदिर को कभी झाड़ू में कभी केशों के द्वारा वो मंदिर मार्जन करते हैं, मंदिर को साफ सुथरा करते हैं. कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री मंदिर मार्जन के लिए, कैसे राजा कैसे मंदिर मार्जन कर रहे थे, जिसमें ठाकुर जी महाप्रभु स्वयं प्रसन्न होकर के उन्होंने प्रतिज्ञा की थी मैं ये राजा को दर्शन नहीं दूंगा,
लेकिन जब महाप्रभु ने देखा कहां भगवान की सेवा के लिए कहां इतने बड़े राजा और राज वेश छोड़ करके मेन रोड के ऊपर में ठाकुर जी को सामने झाड़ू लगा रहे, जिसको देख करके महाप्रभु प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उनको उन्होंने दर्शन दिया है और उनकी चरण की सेवा प्रदान की है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, अपना परिचय देते हैं, बोले मैं कौन हूं, बोले नाम हाट का मैं झाड़ूदार हूं, हम झाड़ू लगाने वाले, नाम हाट का मैं झाड़ूदार हूं, कहते ये परिचय देते हैं। अभी हम कल इस बात को हम सुन रहे थे, हम आज सुनेंगे महाप्रभु ये जो गुंडीचा मंदिर मार्जन की है इसका तात्पर्य क्या है, महाप्रभु क्यों ये गुंडीचा मंदिर मार्जन किया है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद इसी विषय के ऊपर में बड़ी सुंदर टीका लिखते हैं, बड़े सुंदर उन्होंने टीका लिखे हैं। अभी अब हमारे गुरु जी श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज उन्होंने भी बड़े सुंदर इसी विषय पर उन्होंने बहुत सुंदर उन्होंने बात को बताया है। इसलिए अपना हृदय में अभी श्याम सुंदर को बैठना है, लेकिन हमारा जो हृदय में तरह तरह का गंदगी है, का वाच बेगम मनसः क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगान ज विषयत धीर सर्वमपि माम पृथ्वीं सशिष्या। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अगर अपना हृदय रूपी मंदिर में ठाकुर जी को बैठना तो हमें छह बेगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। पहला नंबर क्या बोले बाच बेगम, बाच बेगम का मतलब है ये जो जीवा है ना इसमें कोई हड्डी नहीं है, सारा शरीर में तो हड्डी है, हाथ में हड्डी इसलिए हम सीधा कर देते हैं, अंगुल में हड्डी है हम सीधा कर देते हैं, शरीर में पीठ में रीढ़ में हड्डी इसलिए बैठ जाते हैं, पैर में हड्डी इसलिए चल देते हैं, लेकिन सारा दुनिया में तो हड्डी, गुरु जी कहते हैं जीवा में कोई हड्डी नहीं है। इसलिए ये जो जीवा है ये जितने अनर्थ का कारण है जीवा है, लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, कारण क्या है, और कोई कारण नहीं केवल जीवा की वजह से, हम इसकी बारे में कुछ बोल दिया उसने उसकी बारे में कुछ बोल दिया बस महाभारत हो गया। ये महाभारत क्यों हुआ, इसलिए गुरु जी कहते हैं केवल ये जीवा के कारण है, केवल द्रौपदी ने इतनी सी बोल दिया दुर्योधन को अंधा का बेटा अंधा होता है, बस केवल महाभारत का केवल यही कारण, मतलब अंधा का बेटा अंधा होता है, इसका प्रतिशोध लेंगे दुर्योधन, इसलिए जुआ खेल करके सारे पांडवों को परास्त करके जंगल में भेज दिया और सारा जीवन उनको दुख कष्ट उठाना पड़ा है। गुरु जी कहते भैया ये रामायण क्यों हुआ, यही जीवा है, सीता जी ने लक्ष्मण को इतनी सी बात बोल दिया, जिस समय भगवान राम ये हिरण को पीछे चले गए मारीची को पीछे चले गए, उन्होंने बाण प्रयोग किया तो मारीची ने जोर से चिल्लाया भैया लक्ष्मण बचाओ, सीता जी ने कहा तुमने सुनी हो, बोले हमने भी सुनी है, बोले राम को पर में कोई विपत्ति चली जाओ, बोले मेरे को पता है राम को पर में कोई विपत्ति नहीं आ सकती है, जरूर दाल में कुछ काला है, हैं? इतने में सीता इतने से बोल दी मेरे को पता चला तुम क्यों हमारे साथ में आया था, तो ये सोच रहे हो राम मर जाएगा और मेरे शादी कर लोगे, लक्ष्मण तो सीता को अपना मां मानते हैं वो कहां सहन कर सकते हैं, बस उन्होंने लक्ष्मण रेखा को काट करके चले गए, रावण आया और उसने सीता ने रेखा को पार कर गई, उठा करके ले गया पूरा रामायण हो गया। इसलिए गुरु जी कहते हैं हमें ये जिह्वा को कंट्रोल करनी चाहिए, जो आए सो बात जिह्वा पर नहीं बोलनी चाहिए, हैं? ये जिह्वा ही जितने एक व्यक्ति को खुश भी यही जिह्वा कर सकता है और नाराज भी यही जिह्वा ही कर लेता है, किसकी दो बात मीठी बोल तो खुश हो जाओ, किसी को थोड़ी सी गाली बोल तो सारे हो गया सारे काम महाभारत रख जाता है, इसलिए ये जिह्वा पे हमें कंट्रोल करनी चाहिए। तब कहते भैया ये तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता है, ये जिह्वा पे बंद रहता है दिन भर, ये बोलता रहता है बग 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 करता रहता है,
कुछ ना कुछ बोलेगा, इसलिए कहते हैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम इसको मोड़ सकते हैं, दूसरे तरफ में लगा सकते हैं। हाँ, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस महाप्रभु बोले रोज 1 लाख हरिनाम करो, 1 लाख हरिनाम बोले 6-7 घंटा चाहिए। अगर तुम 7 घंटा तुम हरिनाम किया, तुम्हारा समय कहाँ इधर उधर की बात करने की, दूसरे की चुगली और निंदा करने का तुम्हारे समय कहाँ है, दूसरे की निंदा और चुगली करोगे। बस अपने आप जीवा कंट्रोल हो गया तुम्हारे, अगर जीवा को और कहीं नहीं लगाओगे फिर तो ये निंदा चुगली करेगा ही, जितने महाआरती रचाएगा। हाँ, इसलिए हमें ये जीवा के ऊपर में हमें कंट्रोल रखनी चाहिए, और विशेष करके ये जो जीवा है वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है भक्ति जगत में। इसलिए जब 10 नाम का जो 10 अपराध का जो पहला अपराध उसमें वैष्णव निंदा होता है। बोलो भैया, पहले तो भक्ति में गुरु जी होते हैं मूल, उसमें जो गुरु जी की जो अवज्ञा है वो 3रा नंबर में बताया, क्योंकि भक्ति जगत में जो मूल है गुरु है। हाँ? जब तक तुम्हारी गुरु निष्ठा नहीं है, भक्ति है ही तुम्हारी, जिसको जितने गुरु निष्ठा है उसका उतना ही भक्ति में प्रवेश है। अगर तुम्हारी गुरु में निष्ठा नहीं, भक्ति जीरो है, सार तुम्हारी भक्ति जीरो हो जाएगी, कोई भक्ति भक्ति काम नहीं करेगी, क्योंकि भक्ति में प्रवेश करने का जो मार्ग है वो गुरु भक्ति है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी 64 भक्ति का जो सबसे पहला अंग बताते हैं, आदव गुरु पदाश्रय। पहले गुरु जी को भक्ति चरण में पदाश्रय करते हुए फिर जीव ये भक्ति जगत में प्रवेश करता है, उसका प्रवेश ही भक्ति में। अगर तुम्हारी गुरु जी में ही निष्ठा नहीं, भक्ति कहाँ है, सब जीरो तुम्हारी भक्ति भक्ति बेकार, क्योंकि भगवान तक जीव को कौन पहुंचाएगा, हमें गुरु जी पहुंचाएंगे। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, बोले संसार दाबा लोक त्राणाय करुणा घना घना त्वं प्राप्त कल्याण गोणार्णवास वंदे गुरुश्री चरणारविंद। इसलिए कहते भक्ति का जो पहला जो श्लोक कहते हैं, बोले गुरु जी है कौन, कहते भगवान की जो कृपा शक्ति ही वो एक रूप धारण करके गुरु जी रूप में जगत में आते हैं। इसलिए कृष्ण उद्धव को कहते, बोले उद्धव आचार्य मांग बिजाने, आचार्य को मेरा ही स्वरूप तुम समझना, हाँ? मेरा ही स्वरूप समझ करके भगवत भक्ति करना। हाँ? इसलिए सबसे पहले भक्ति जगत में गुरु जी की निष्ठा ही सबसे पहला निष्ठा है। हाँ? लेकिन यहाँ पर पहले वैष्णव का नाम बताया है, वैष्णव अपराध। बोले क्यों, बोले गुरु जी का प्रति जीव का स्वाभाविक रूप में गुरु जी का प्रति ऐश्वर्य में नहीं, मेरे गुरु जी है मत गुरु जगत गुरु, हाँ? मत नाथ जगत नाथ। लेकिन ये कभी कभी वैष्णव का प्रति अनादर कर देते हैं, गुरु जी के प्रति निष्ठा रहती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी वैष्णव का प्रति भी अपराध कर डालते हैं, कौन को कुछ नहीं जानते हैं। बोले ये कनिष्ठ अधिकारी है, ये उत्तम अधिकारी नहीं। अभी प्रश्न है कौन पहचानेगा ये कनिष्ठ अधिकारी ना उत्तम अधिकारी। एक समय श्री पद्मनाभ महाराज जी कहीं क्लास दे रहे थे गुरु जी के सामने, उन्होंने बोल दिया, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, हम लोग एक महाभागवत श्री गुरु जी के अनुगत हैं। गुरुदेव उसको ब्लैक धरा, बोले तू कैसे पहचाना ये महाभागवत है पता, क्योंकि बोले नदेव देव मरचय थे। हाँ, ये पुराण में बताया, जब तक तुम देवता नहीं बनते हो किसी देवता को पहचान नहीं सकते हो, तू कैसे पहचान गया मैं महाभागवत हूं। जब तुम महाभागवत बनोगे तब दूसरों को महाभागवत बता सकते हो, जब तक स्वयं महाभागवत नहीं है तुम दूसरों को महाभागवत नहीं बता सकते हो, कैसे पहचान लिया होता। गुरुजी ने उनको प्रश्न किया है,
इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं, बोले वैष्णव चिनी ते नारे देवेरा सकाति मोई को न जाना हाई आति मोढ़ माति। वृंदावन दास ठाकुर दास कह रहे हैं, बोले वैष्णव की इतने महिमा है, हमारा बात छोड़ दो, बोले स्वर्ग के देवता भी संतों को नहीं पहचान सकते। वैष्णव चिन्ह तरह देवर सकती, तो जब देवता नहीं पहचान सकते हैं, वो कह रहे हैं मैं तो एक मूढ़मती काम क्रोध का दास बना हुआ हूं। हाँ, काम क्रोध का दास बनकर ये उत्तम भागवत, ये कनिष्ठ भागवत, ये मध्यम भागवत जीवा में कभी नहीं लगनी चाहिए, सिद्धांत और कहीं स्थान नहीं तुम्हारे। इसलिए जब श्री एक बहुत बड़े संत हुए हैं प्रभुपाद का समय में, हाँ, सब उनको पागल समझते थे, उनको कोई नहीं पहचान पा रहे थे, पागल समझते थे, बंशीदास बाबा जी महाराज। लेकिन जब प्रभुपाद गए उनको पहचान, बोले नहीं ये महाभागवत है। फिर उन्होंने भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज को बोले तुम जाकर इनकी सेवा करना। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब गया गए, महाप्रभु जब गया से वापस आए, महाप्रभु का शरीर में जो प्रेम की जो विकार है, बड़े बड़े लोग भी समझ नहीं पाए, सोचे शायद पागल हो गया है, शायद दिमाग इसमें गर्म हो गया, बोले तेल लगा उसको सिर पर, नारियल का पानी पिला है। लेकिन जब श्रीवास पंडित आया, क्यों नारद है श्रीवास पंडित, है जब श्रीवास पंडित आया तो महाप्रभु ने बोले श्रीवास तुम मेरे को क्या समझते हो, बोले प्रभु तेरी जो बीमारी है ना, मैं भी चाहता हूं मेरे को भी यही बीमारी हो जाए, क्योंकि उनका शरीर में जो स्वेद कंप अश्रु पुलक जो वैवर्ण जो अष्टसाथी जो प्रेम दिख रहा था, वो नारद स्वयं है वो पहचान सकते हैं। हम साधारण एक व्यक्ति होकर के विचार करते हैं ये कनिष्ठ अधिकारी, ये उत्तम अधिकारी, ये आधम है, नहीं, कभी ये सब जीवा में कभी भी नहीं लानी चाहिए, हमने कभी गुरु जी से सब बात हमने नहीं सुनी है। इसलिए नहीं तो किसको चरण में, जो जब प्रभुपाद आए, एक व्यक्ति वो सूर्य कुंड में भजन करता था जिसका नाम था कृष्णदास बाबा जी महाराज, सारा दुनिया कहते थे ये महाभागवत है, ये महाभागवत उत्तम अधिकारी। तब प्रभुपाद देखने के लिए गए, देखा ये कनिष्ठ का मध्यम है, ये कनिष्ठ भी पूरा नहीं है, ये प्रभुपाद ये चीज को बोले है, क्योंकि प्रभुपाद ये नयन मणि मंजरी है, वो बता सकते हैं हम एक साधारण काम क्रोध लोभ में सड़ रहे, संसार का माया में फंसे हुए, हम कहते हैं ये महाभागवत, ये उत्तम भागवत, ये बहुत बड़े अपराध है, छोटी मोटी अपराध नहीं, और वैष्णव अपराध का तो इतने खतरा है, चैतन्य महाप्रभु का समय में उसने अपना माँ को भी प्रेम लिख दिया उन्होंने, बोले तुमने वैष्णव अपराध की हो, और श्री गोपाल चापल श्रीवास की निंदा की, शरीर में गलित तो कुष्ठ व्याधि हो गया उसकी, कुष्ठ हो गया उसको, और महाप्रभु के पास में गिरते गिरते आए, महाप्रभु ने कहा प्यार में कांटा गड़ने से सिर पर नहीं निकलता है, वो प्यार से निकलेगा, तुमने अपराध किया श्रीवास पंडित वहां जाओ। महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते बोले रूप भक्ति लता, जब धीरे धीरे भक्ति लता बढ़ती है, सबसे बड़ा खतरा है ये वैष्णव अपराध, किसी साधु को निंदा करना सबसे बड़ा अपराध है, अगर किसी वैष्णव की निंदा तुमने की तो पूरा जड़ समेत उखाड़ करके फेंक देता है भक्ति लता, हृदय सुखी सूख जाएगा, हृदय में भक्ति भक्ति कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। इतने महाप्रभु रूप गोस्वामी तो ये बताए भैया भक्ति ज्यादा भले ही कुछ नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन हर समय वैष्णव अपराध का प्रति ध्यान रखो। कृष्ण स्वयं कहते हैं अगर मेरे ये हाथ भी कभी ये संतों की निंदा में जाएगा तो मैं अपना हाथ को भी काट दूंगा। भगवान इतने दूर तक कहते बोले क्यों, बोले जो संत जगत में भगवत कथा प्रचार करते हैं, जगत में भगवान की महिमा गाते हैं, मेरी महिमा गाते हैं, मैं कभी उनकी निंदा सहन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए दुर्वासा जैसे शंकर जी का अवतार अंबरीश चरण अपराध किया तो ब्रह्मा जी को पास में गए माफ नहीं किया उन्होंने, फिर शंकर जी को पास गए माफ नहीं किया, भगवान तक भी भगवान भी माफ नहीं किया, कोई माफ नहीं है।
कितना इसमें अपराध, इसलिए हर समय कितना साधु सावधान, साधु सावधान। इसलिए हमें भक्ति जगत में बड़ी सावधानी के साथ में हमें भगवान के भजन करनी पड़ेगी, नहीं तो भजन भजन जाएगा, सारे खत्म हो जाएगी भजन भजन, हृदय सूख जाएगी, भगवान के नाम में भक्ति में कोई रुचि नहीं रह जाएगी, सारी भक्ति सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये जिह्वा को हमें कंट्रोल करनी चाहिए, जो आए मुंह में वो बात किसके लिए नहीं बतानी चाहिए। हाँ, इसलिए ये बात बेगम, इसलिए कहती यही गुंडीचा मंदिर मार्जन है, महाप्रभु अपना परिकरों को लेकर के यही गुंडीचा मंदिर मार्जन करते थे। हाँ, इसलिए बोले बाच बेगम मनस क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम, कहते जो छह बेग को जो दमन कर देता है, कहते पृथ्वी सब शिष्या, सारा पृथ्वी उसकी चेला बन जाते हैं। क्या रूप गोस्वामी हमें चेला बनाया, प्रभुपाद चेला बनाया हमें, लेकिन सारा जगत गुरु है, हम उनको गुरु रूप में वर्णन करते हैं, गुरु रूप में मानते हैं। हाँ, क्यों? उन्होंने ये छह बेग को उन्होंने दमन किया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना परिकरों को लेकर के, अपना भक्तों को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु आज गुंडीचा मंदिर साफ कर रहे हैं, अपना हृदय को दिल को साफ कर रहे हैं। इसलिए पहले उन्होंने धूल को निकाले, तब प्रभुपाद कहते हैं धूल क्या है, बोले धूल है संसार की जो भोग की वासना, जब तक ये संसार में रहेंगे तब तक केवल हम संसार विषय को भोग करेंगे, यही धूल है। हाँ, इसलिए महाप्रभु पहले झाड़ू लगा करके वो धूल को साफ करते हैं, बोले पहले ये धूल को निकालो, मतलब हमारे मन में केवल एक ही इच्छा हो, जिसको भागवत में बताए, बोले सबई पुंसान परो धर्म जत भक्ति रधक सजी आहे तो की अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। इसलिए प्रभु की भक्ति करने के लिए बोले सबई पुंसा परो धर्म जत भक्ति रधक सजी, भगवान को प्रेम करना ही बोले कैसे, बोले आहे तो की और अप्रतिहता। उन्हें दो एग्जाम्पल दिया है, भक्ति में कोई कामना वासना नहीं रहनी चाहिए, केवल कृष्ण को हम कैसे सुखी करें, हाँ केवल कृष्ण को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, जिसमें कोई कामना वासना नहीं हो, और जो भक्ति निरंतर जमय होनी चाहिए, भक्ति कंटिन्यू भक्ति होनी चाहिए। हाँ, इसलिए महाश्री रूप गोस्वामी कहते हैं मन अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतम। बल्कि उत्तम भक्ति किसको कहते हैं, कहते पहले अन्याभिलाषिता शून्यम, हमारा हृदय में भगवान की भक्ति छोड़ करके, सेवा छोड़ करके, उनकी आनंद को देने के लिए छोड़कर और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, और उसमें ज्ञान कर्मादि, कर्म मतलब है अपना विषय भोग की वासना नहीं रहनी चाहिए, हाँ, और कृष्ण की रुचमाना प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु सबसे पहले ये धूल बनता है, पहले धूल को साफ कर, उसके बाद में रह गया कंकड़ पत्थर रह गया, फिर महाप्रभु झाड़ू लगा करके फिर पत्थर को निकालते हैं, तो प्रभुपाद कहते भैया ये पत्थर क्या है, ये पत्थर को क्यों निकालते हैं, बोले पत्थर ज्ञान है, हम तो संसार का भोग की वासना छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी हमारा हृदय में अहम ब्रह्मास्मि, हम वही ब्रह्म है, तुम यही ब्रह्म हो, तत्त्वतोमसि तुम वही ब्रह्म हो, जीव जो वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, कहते यही कंकड़ है, भले ये चीज को निकालो। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं बोले भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाची जावत हृदय वर्तते, बोले जब तक हमारा हृदय में ये भोग और मोक्ष की जब तक हमारी हृदय में वासना रहेगी, वो उदाहरण देते हैं ये पिशाच है, ये पिशाच के सदृश है, जैसे किसको पर कोई पिशाच कोई भूत सवार हो जाए, हैं, भले ही वो जितना खाए 8-10 व्यक्ति का भोजन, लेकिन उसका शरीर बड़े दुबला पतला रहता है, उसका शरीर बड़े दुबल, क्यों, उसका हृदय में जो पिशाच बैठा हुआ वो सारे भोजन वही कर रहा है, तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, हैं? इसलिए जब तक हृदय में हम वही ब्रह्म में ज्योति में लीन हो जाएंगे, अपना सत्ता को उसमें मिला देंगे, जब तक ये भावना रहेगी तुम्हारी भक्ति भी बेकार हो जाएगी, सब भक्ति बेकार हो जाएगा। इसलिए कहते ये चीज को छोड़नी चाहिए,
इसलिए उन्होंने कंकड़ को हटा हटा कर निकाले। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये प्रकाश आनंद ये ब्रह्मवाद को प्रचार करता था। महाप्रभु कहते हैं, काशी ते वैसे बेटा प्रकाश आनंद मोर देह करे खंड खंड। ये प्रकाश आनंद ब्रह्मवाद को प्रचार करता था, हम वही है, तुम वही हो, वही ब्रह्म है। महाप्रभु कहते हैं, वो जितना स्तुति स्तव कर रहे हैं, मेरे स्तुति स्तव नहीं, क्योंकि मेरे अपराकृत स्वरूप को नहीं मानते हैं, वो भगवान का लीला को माया ही समझते हैं। बोले ब्रह्म को ही माया पकड़ लिया, इसलिए राम कृष्ण बनकर के आ गए। इसलिए कहते हैं, इनका जो स्तुति स्तव मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर काट रहे हैं, इसलिए पहले ये ज्ञान को पहले झाड़ लगा निकाल, हाँ पहले धूल निकाल दिया, उसके बाद में फिर निकाल देते हैं कंकड़ को निकाल देते हैं, फिर वहां पर रह जाता है ये चीजों को निकाल दिए, लेकिन वहां पर और भी कुछ चीजें रह जाती हैं। फिर महाप्रभु क्या करते हैं, बोले पानी ला, पानी ला, पानी ला करके फिर मंदिर को अच्छे तरह से धोते हैं, हाँ अच्छे तरह से उसको धो देते हैं। धो करके बोले पानी मतलब क्या, बोले ज्ञान धर्म तो छोड़ दिया, ये भक्ति नहीं है, ज्ञान कर्म तो छोड़ दिया, लेकिन कुछ ग्रहण भी तो करनी चाहिए, हाँ इसलिए अभी क्या करनी है, हृदय को सुशीतल बनाओ, हृदय को एकदम सुशीतल बना दो हृदय को। बोले कैसे, से पानी ला करके उसको धोए, पानी से धोए, लेकिन धोने का बाद में भी कुछ वहां पर दाग रह गया, दाग रह गया। तो महाप्रभु क्या करते हैं, अपना कपड़ बुलाए, महाप्रभु अपना कपड़ से जो छोटी छोटी दाग रह गया ना, उसको घीस घीस करके महाप्रभु रगड़ रगड़ करके साफ कर रहे थे। तो प्रभुपाद कहते हैं, ये दाग क्या है, दाग है जो प्रतिष्ठा की भावना है, हाँ ये प्रतिष्ठा की भावना जो हृदय में रहते हैं, जो कुटी नाटी जीव हिंसा, हाँ कहते ये जितने हृदय के अंदर में ये चीज रह जाती है, बिल्कुल कुटी नाटी मतलब है, हाँ कहते कपट व्यक्ति का कल्याण होना बहुत कठिन है। कपट कहते हैं, हम तो बाहर एक दिखा रहे हैं लेकिन अंदर में हम और कुछ है, इसलिए कृष्ण ये बकासुर को मैंने बध किया, हाँ इसलिए बकासुर बध के आप बगुले देखे होंगे, आप बगुले के देखना वो एक प्यार से खड़ा रहता है, थोड़ी सी भी इधर उधर हिलेगा नहीं डोलेगा नहीं, एक जगह पर बैठ जाएगा, देखेगा कब मछली आते हैं, क्यों चुपचाप बैठा हुआ, मछली को पता नहीं चले हम यहाँ पर बैठा हुआ, मछली आया तेरे पकड़ ले। इसलिए श्री राम लखमण जा रहे थे, इतने में रामचंद्र लखमण को बोल, लखमण देख बेटा ये बगुला एक तपस्वी जैसे चुपचाप बैठा हुआ है। इतने में लखमण कहते हैं, बोले प्रभु ये बगुला कितना बड़ा तपस्वी, ये मछलियों को पूछे पता देगा, ये मछली को कुछ पता है, मतलब कपट है, चुपचाप बैठा हुआ मछली को खाने के लिए, हाँ क्योंकि लखमण गुरु तत्व है, लखमण गुरु तत्व होने का नाते उनको पता है ये कपट है। इसलिए भगवान क्या किया, बकासुर को वध किया अपने, बकासुर को मतलब इस कपट को हृदय से निकाल देनी चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले अंतर बाहिर सम व्यवहार अमानी मान दहाव, कहते बाहर और भीतर दोनों एक होनी चाहिए, ये कपट कहते ये कुटी नाटी, फिर उसको बाद में भले उसको बाद में फिर जीव हिंसा, जीव हिंसा प्रभुपाद कहते हैं कि जीव हिंसा क्या है, बोले जीव हिंसा है कोई कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति को जो प्रचार नहीं करके जो विद्ध भक्ति को जो प्रचार करते हैं, लोगों को मनमानी बात बता करके, हाँ उनसे पैसा निकालने के लिए अपना प्रतिष्ठा के लिए, हाँ जो ये जो काम करते हैं कभी जीव हिंसा है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए जीव का कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। जब जीव अपना स्वाभाविक धर्म को छोड़ करके जब दूसरा काम करती, यही जीव हिंसा है। इसलिए हमें भगवान की शुद्ध भक्ति को बाहर में बतानी चाहिए, न कि बल्कि जीव का जो मनमानी जो धर्म करते हैं वो मनमानी धर्म को बोल करके हम उनको आकृष्ट करने के लिए, कभी यही जीव हिंसा है। इसलिए कभी जीव हिंसा को प्रत्याग करनी चाहिए। कहते भैया इसको तो कभी छोड़ देते हैं जीव, लेकिन और एक चीज रह जाती है, बोले क्या है, बोले प्रतिष्ठा, हाँ कहते प्रतिष्ठा। इसलिए श्री
रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में कहते हैं प्रतिष्ठा आशा सपज रमन में हृदय नटे। तो उन्होंने बताया जो प्रतिष्ठा है, कहते ये क्या है, ये प्रतिष्ठा कहते सुखरी विष्ठा, प्रतिष्ठा ये सुखरी विष्ठा, इसलिए कभी कभी हृदय में ये प्रतिष्ठा की भावना रह जाती है। फिर महाप्रभु क्या करते हैं, कपड़े को लेकर घिस घिस करके वह चीज को निकालते हैं। हृदय में ये प्रतिष्ठा की भावना हृदय में नहीं रहनी चाहिए, ये चीज को भी पूरा उन्हें निकालते हैं। अभी महाप्रभु जब भक्त लोग सबके सब मंदिर साफ कर रहे थे, इन्होंने देखा कोई कोई भक्त है वो ठीक ठीक से मंदिर साफ नहीं कर रहे, ये काम चोर है, मंदिर को साफ नहीं कर रहे थे कोई कोई। तब महाप्रभु वहां पर गए, महाप्रभु जाकर के देखो तुम ठीक से सेवा नहीं कर रहे हो, ठीक से सेवा करो, कामचोर मत बनो, करो कामचोर नहीं बन करके ठीक से सेवा करो। इसलिए महाप्रभु बड़ी मीठी मीठी बोली से उसको शासन करते हैं। तब प्रभुपाद कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, कहते कोई तो साधन भजन कर रहे हैं, अपना हृदय रूपी दर्पण को तो साफ कर रहे हैं, लेकिन साफ करते समय वो ठीक से कोई साफ नहीं कर रहे। तो महाप्रभु उनको बड़ी मीठी मीठी बोली बोल करके कहते भैया हृदय को अच्छे तरह से साफ करो, ठाकुर तभी तो आएंगे, नहीं तो ठाकुर कहाँ तुम्हारे हृदय में आएंगे। इसलिए हृदय को अच्छे तरह से तुम साफ करो, कई कठोर वचन से नहीं, हाँ उसको मार करके नहीं, इसका मतलब है बड़ी मीठी मीठी, मतलब अगर कोई गलती करता है उनको समझाओ अच्छे तरह से, भैया ऐसे नहीं ऐसे करो, हाँ। इसलिए महाप्रभु बड़ी मीठी मीठी वचन से बोल रहे थे। बोल करके महाप्रभु बोले देखो अभी किसने कितना कंकड़ कौन कितना धूल को साफ किया, लाओ अपना अपना धूल लाओ, धूल से पता चलेगा कौन कितना साफ किया है। जिसका महाप्रभु बोले देखो जिसका धूल कम होगा ना उसको दंड मिलेगा। बोले क्या दंड है, बोले भक्ति जगत में जो दंड वो भी बड़ा प्यारा दंड है। बोले क्या है, बोले वैष्णव सेवा फीस देना पड़ेगा, सब भक्तों को पिज्जा पास्ता खिलाना पड़ेगा, हाँ। इसलिए जो कम साफ करेगा उसके लिए दंड है। तब प्रभुपाद कहते हैं भैया ये क्या चीज है, महाप्रभु बोले दंड क्या है, सारे वैष्णव को प्रसाद खिलाओ, सारे वैष्णव का सेवा करो, हाँ। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने बोले कभी कुलीन पंडित कुलीन वासी, हाँ, कभी महाप्रभु को प्रश्न किया बोले प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें कुछ कृपा करके उपदेश दो। तब महाप्रभु दो चीज उन्होंने उपदेश दिया था, बोले वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु दो काम कर, पहला काम तो वैष्णव सेवा, जब तक वैष्णव सेवा नहीं करोगे तब तक हम हृदय साफ नहीं होगा। बोले वैष्णव सेवा क्यों, बोले वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नाम वैष्णव परायण। बोले ठाकुर जी कहाँ बैठते हैं, बोले भक्तों का हृदय में ठाकुर जी बैठते हैं, हाँ। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं हम तो संतों का हृदय में साधव हृदय मुझम साधु नाम हृदय, तो मैं संतों का हृदय में ही मैं निवास करता हूँ, इसलिए वैष्णव सेवा करो। गुरु जी एक कथा सुनाते थे, बोले कोई एक व्यक्ति साधु था, वो गांव में भिक्षा लेने जाता था, एक बुढ़िया थी बड़ी कंजूसी, एक पैसा भी ठाकुर सेवा को नहीं देती थी, वो संत आकर गाली गलौज करती थी, बोले दाढ़ी की तरह शर्म नहीं आता है, काम नहीं कर सकते हो, भीख मांगने के लिए आ गए, लेकिन संत बड़े दयालु बड़ी कृपा, वो तो चाहता है इसका कल्याण कैसे हो। एक दिन वो बुढ़ी गांव के है ना, आप लोग जो गांव के पता होगा सुरिनाम होगा, तो जैसे गांव में क्या करते हैं मिट्टी और गोबर, हाँ, गोबर और मिट्टी को बाल्टी में रख करके उसमें कपड़े को डाल देते हैं और वो कपड़े से घर को पोता लगा देते हैं मिट्टी को, क्योंकि जो गोबर वो पवित्र होता है, मिट्टी भी पवित्र, घर को उस सवेरे सवेरे खोद रही थी बुढ़ी मैया, इतने में साधु पहुंच गया, बोले मैया तू जो भिक्षा दो, बोले तेरे को शर्म नहीं सवेरे सवेरे तू आ गया, हाँ। बड़ा क्रोध आया, बोले भिक्षा लोगे ले, जो कपड़ा गोबर मिट्टी था ना उठाया और मारे उसको साधु को, लेकिन साधु तो बड़े दया साधु बड़े कृपालु, बोले अभी तक तो कुछ दे ही नहीं रही थी, अरे कम से कम आज से इतना दे दिया,
उसने वो कपड़े को उठा करके ले गई, अच्छे तरह से पानी से मल मल के कपड़े को धोया, धो करके धूप में उसको सुखाया और उसको धूप में सुखा करके उसको अच्छे तरह से बत्ती बनाए और घी में डुबाए और शाम को ठाकुर जी की आरती उतारी। ठाकुर जी वो बूढ़ी माता जी ने ये चीज दिया है, आप उसको कल्याण करना। वो आरती कर रहे थे ठाकुर जी को, बोले जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना, आरती कर ललिता दि सखी मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीताम्बर सिखी पूछ चूड़ा मनोहर ललित माधव वामी वृषभानु कन्या नील वसन गौरी रूपे गुण धन्या नाना विध अलंकार करे झलमल हरि मन विमोहन बदन उज्ज्वल विशाखा दि सखी गण नाना रागे गाय प्रिय नर्म सखी जत चामर ढुलाय श्री राधा माधव पद सरसी जयासे भक्ति विनोद सखी पद सुखे भासे। जब ठाकुर जी का आरती उतार रही थी, उतार रही है ठाकुर जी की, इतने में अपनी आप वो जो बूढ़ी माता जी थी ना, उसका हृदय अपनी आप बदल गई। वो खुद सोच रही है कि भगवान संत बड़े दयालु बड़े कृपालु, वो आए थे भिक्षा लेने के लिए, हमने तो भिक्षा दी ही नहीं बल्कि हमने ये कपड़ा उसको ऊपर मारा, हमने कल वो साधु आएगी ना फिर उनको चरण में प्रणाम करके मैं फिर उनको माफी मांगूंगी। जब बाबा रोज आते हैं फिर जब दूसरे दिन आए फिर उनको बोला, बोले बाबा मेरे घर में ले आना। बोले भैया क्या हो गया, रोज ये गाली देती थी आज मेरे को घर में क्यों बुला रही है। फिर जब गए फिर बाबा को बैठाया, प्रणाम किया, माफी मांगी, हाँ माफी मांग करके फिर उन्होंने को भिक्षा दिया है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं महाप्रभु, शिक्षा देते हैं जिसका धूल कम होगा ना वैष्णव सेवा, इसका मतलब है जिसका अभी हृदय में अनर्थ है, हाँ जिसका हृदय में अनर्थ है, अभी साधन भजन ठीक ठीक से कर नहीं पा रहे हो, क्या करो वैष्णव का सेवा करो। जब तुम वैष्णव सेवा करोगे ठाकुर को भोग लगाकर, जब वैष्णव लोग प्रसाद पाएंगे उनका आशीर्वाद से तुम्हारी भक्ति उनके सुकृत जमा होगी, जब वो सुकृत जमा होगी फिर तो जाकर हम ठाकुर जी की सेवा पूजा कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु बोले वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा दो। और क्या बोले, महाप्रभु जब मंदिर साफ कर रहे थे क्या कर रहे थे, कोई इधर उधर की बात नहीं है, इधर उधर नहीं, सब हरि कीर्तन कर रहे थे, एक दूसरे को जब कलसी दे रहे थे बोले हरे कृष्णा, किसको बुलाते बोले हरे कृष्णा, जब काम कर रहे थे कैसे काम कर रहे थे, हाथों में तो सेवा कर रहे थे और मुंह में ठाकुर जी की नाम ले रहे थे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे
हरी नामाश्रय करी जतन तुमी ठाकुर अपना काज। श्री जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, यदि अपर्णा भक्त्या कलो तदेव हरि कीर्तन एव करोति। वो कह रहे हैं कलि युग में हम जो कुछ करें समस्त सब कुछ हरि नाम को साथ में करनी चाहिए, क्योंकि कलिजुग के पलना मा आधारा सुमिरे सुमिरे नरौता रहि पारा। इसलिए कलिजुग में भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरम्भते।
इसलिए कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ही जीव का कल्याण होने वाले। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने और कोई ग्रंथ नहीं लिखे, केवल महाप्रभु शिक्षाष्टक उन्होंने केवल 8 श्लोक लिखा और कोई कुछ नहीं लिखे। मानो सारे ग्रंथ का शास्त्र का जो निचोड़ है वो केवल 8 श्लोक में उन्होंने दे दिया है। हाँ, इसलिए महाप्रभु इधर हाथ में मंदिर साफ कर रहे हैं और उधर मुंह में ठाकुर जी की नाम ले रहे थे। बोले चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। महाप्रभु कहते हैं हरिनाम कीर्तन को द्वारा ही ये हृदय साफ हो गया। बोले चेत दर्पण मार्जनम, चेत रूपी दर्पण साफ कैसे होएगा? बोले हरिनाम को द्वारा। संसार का सारे दुख कैसे दूर होगा? बोले हरिनाम को द्वारा। हृदय में भक्ति रूपी कुमुदिनी का कब प्रकाश होगा? बोले हरिनाम को द्वारा। बोले विद्यावधु का जीवन क्या है? बोले हरिनाम है। अगर प्रतिपद पद में दिव्य आनंद को रस का आस्वादन करना चाहते हो वो क्या है? बोले हरिनाम संकीर्तन है। एक दिन संपूर्ण कृष्ण भक्ति में सरावर हो जाओगे। कैसे? बोले कृष्ण नाम कीर्तन से। केवल कीर्तन के द्वारा ही जीवन में तुम्हारी कल्याण, नहीं तो कोई कल्याण नहीं है। इसलिए महाप्रभु इधर हाथ में तो सेवा कर रहे हैं, शिक्षा देते हैं, अपना हाथों में ठाकुर जी का सेवा करो और मुंह में ठाकुर जी का नाम जप करो। इसलिए गुरु जी कहते हैं गोपियां क्या करती है? दिन भर ठाकुर का सेवा हाथ में करती है और मुंह में बोले गोविंद दामो धर्माधवेती गोविंद दामो धर्माधवेती गोविंद दामो धर्माधवेती गोविंद दामो धर्माधवेती हे कृष्ण हे जा दब हे सकेती गोविंद दामो धर्माधवेती। इधर मुंह में ठाकुर का नाम और इन हाथों में ठाकुर का सेवा करती हूँ। हाँ, इधर घर में झाड़ू भी लगाते हैं, इधर रसोई बनाती हैं, इधर बच्चों को थपथप लगाकर इधर सुलाती हैं और उधर गोविंद दामो धर्माधवेती गोविंद दामो धर्माधवेती। इसलिए महाप्रभु ये गुंडीचा मंदिर मार्जन को द्वारा महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन है अपना हृदय रूपी दर्पण को साफ करना, हृदय को साफ करना यही गुंडीचा मंदिर मार्जन है। अभी गुंडीचा मंदिर मार्जन हो गया, उसके बाद में फिर कृष्ण को हृदय में बैठाना। हाँ, ये कृष्ण को हृदय में बैठाना यही रथ यात्रा है। कैसे अपना हृदय रूपी रथ में हम ठाकुर जी को कैसे हम बैठाएंगे? इसलिए जगन्नाथ जी की इस विषय पर बहुत कथा आती है। इसलिए गुरुदेव ने रथ यात्रा जो प्रसंग है, गुरुदेव ने ग्रंथ को संपूर्ण अलग गुरुदेव ने ग्रंथ को निकाले। हाँ, उसमें गुरु जी 2-3 कथा सुनाते हैं उसमें। हाँ, उसमें जो पहला कथा आपको पता होगा कि जगन्नाथ जी ठाकुर प्रकट क्यों हुए, कैसे प्रकट हुए। बोले एक समय कुछ संत चातुर्मास में भ्रमण करते करते पुरी में आए। राजा रानी दोनों बड़े सत्संगी, कहीं भी सत्संग हो संत घर रोज पहुंचते हैं। राजा रानी सुनने के लिए गए। वो संत आपस में बात कर रहे थे। बोले हम तो सारा दुनिया भ्रमण किया है लेकिन एक स्थान हमको सबसे प्यारा लगा। बोले कौन सा स्थान है? और जैसे वृंदावन में जैसे जमुना नदी कलकल नाद से बह रही, जहां पर सुंदर गिरिराज गोवर्धन है, जहां पर जुई बेली चमेली, जहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, जहां पर भौरा पुष्प ऊपर में बढ़रा रहे हैं, बड़े सुंदर सुगंधी। एक ठाकुर देखा वो पर्वत ऊपर में, जो ठाकुर का नाम था नील माता, जैसे गंगा जिनके चरण से गंगा स्वयं प्रकट है। जो लोग नील माधव गए हैं उनको पता है वहां जाओ चरणामृत देते हैं। क्या चरणामृत? ठाकुर के चरण से जो रोज जैसे हमारा शरीर से घाम
पसीना निकलता है ना ठाकुर जी के चरण से, अपने आप वो पानी निकलती है, वो उसी को ही चरणामृत रूप में देते हैं वो पहाड़ गोबर में, हाँ आप लोग जो गए हैं। इसलिए एक कहते हो नील माधव सबसे बढ़िया लगा, बड़ा सुंदर प्यारा स्थान है। उन्होंने ये कथा सुनाए, जो रानी जो गुंडीचा थी कथा सुने, जब रात को आए राजा रानी विश्राम किया, रानी ने कहा आपने सुने हो वो संतल को बोल रहे थे एक बड़ा सुंदर वृंदावन जैसे बड़े सुंदर ठाकुर जी है, बड़े सुंदर गिरिराज जैसे, जमुना नदी जैसे बह रही है, वहां महा नदी बह रही है, बड़े प्यारे बात कथा सुना रहे थे। कल जब हम कथा सुनने जाएंगे ना, हम वो संतों को पूछेंगे वो ठाकुर कहाँ है, फिर हम उसको दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन जब सवेरे हुआ रमते जो भी बहते पानी, दर्शन करते करते आए थे राता राते चले गए। जब चले गए, जब राजा रानी सवेरे आकर देखे संत है ही नहीं, उनको मन में और भी ज्यादा उत्कंठा हो गई। रानी गुंडीचा रानी ने राजा को पीछे पड़ गई, बोले पता लगाओ ठाकुर जी कहाँ है। इसलिए बोले चार ही हट है, एक बाल हट है, एक स्त्री हट है, हाँ कहते एक एक जोगी हट है, ऐसे करके तीन चार हट है, हाँ इसलिए एक स्त्री हट है। स्त्री हट मतलब अगर स्त्री अगर किसी काम को लेकर पति को पीछे पड़ गया, हमें ये चाहिए, जब तक आप इसका पूछा इच्छा पूरी नहीं करते हो ना, तब तक मानेंगे नहीं, प्रेम से खाना भी नहीं खिलाएंगे आप लोग, मुंह मोड़ कर जो बात करेंगे। इसलिए एक स्त्री हट है वो तो पीछे पड़ गई, लेकिन हट हो, लेकिन हट अगर भक्ति के लिए हो ना वो तो फिर बढ़िया है। लेकिन इसकी जो हट है किसके लिए हट है, ठाकुर जी का दर्शन कैसे करेंगे, ये हट तो होनी चाहिए, हाँ इसलिए पीछे पड़ गए, पता लगाओ ठाकुर कहाँ है। तो उन्होंने कुछ भक्त लोगों को बुलाए, बुला करके बोले चार दिशा में चले जाओ, हाँ कहाँ पर ये ठाकुर पता लगा करके आना। एक विद्यापति था, तो मेरे को ऐसे लगता है ये ठाकुर दक्षिण दिशा में, उनका पुरोहित था बड़े बुद्धिमान, बोले जब तक पता नहीं लगाओ तब तक आना नहीं। तीनों दिशा में भेजे वापस आ गए, लेकिन ये विद्या ढूंढते 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 पहाड़ पर्वत कंदराए जंगल भ्रमण करते करते एक दिन शाम हो गया, हठात देखा एक गांव में जैसे दिया जलाते है ना, जैसे गांव में कहीं जैसे लाइट दिख रहा है, तो उन्होंने देखा लगता है कोई गांव है। वहां घूमते घूमते वहां पर पहुंचे, जब वहां पहुंचे वहां पर एक एक लड़की बड़ी सुंदर लड़की जिसका नाम थी ललिता, बोले बोले आपका घर में आज मैं रोक सकता हूँ। तो देखो मेरे पिताजी कहीं बाहर ठाकुर को पूजा करने गए हैं, आप अभी बाहर बैठिए, घर में अभी कोई पुरुष नहीं है, आप अभी बाहर बैठिए, जब हमारे पिता आएंगे फिर वो उनका आदेश से आप रुक सकते हो। जब उनको पिताजी आए और नील माधव को पूजा करने गए, और नील माधव जो पूजा करके आए, शरीर में अगुर कर्पूर चंदन सेंट बड़ी खुशबू आ रहा था, हाँ बड़ी सुंदर खुशबू आ रहा था शरीर से, ठाकुर का सेवा पूजा करके आए। जब आए इतने में बोले आपके घर में एक रात रुक सकता हूँ, बोला रुक सकता हूँ, अतिथि के लिए तो घर है, अतिथि देव बाबा, हाँ इसलिए घर में रुक सकते हो। इतने में उनको शरीर से जो खुशबू निकला, उन्होंने वो जो बेटी ललिता को पूछे, बोले तुम्हारे पिता कहाँ गए थे, शरीर से इतने सुंदर खुशबू आ रहे हैं। इतने में बोल दिया कोई एक नील माधव ठाकुर जी है, हमारा पिता रोज उसको पूजा करने जाते। बोले भैया हम तो उसको ही ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए। फिर उसने क्या किया, तो ब्राह्मण था, पहले भी शादी की हुई थी, अभी ये नील माधव का पता कैसे लगा है, उसने क्या कि उसका जो बेटी थी ना उनको जवान थी, ये भी एक सुंदर ब्राह्मण थे, उसने क्या किया वो सबर है, हाँ विश्वास सबर की बेटी है, केवल वो बात को निकालने के लिए उसने उसकी लड़की के साथ में प्रेम कर लिया, और प्रेम करके उसको साथ में उन्होंने शादी कर ली। जब शादी कर ली, एक दिन उसने समय पा करके पूछे, बोले तुम्हारी पिताजी को बोलोगे थोड़ी सी मुझे ये नील माधव का दर्शन करा दे, हाँ बोले नहीं पिताजी बताए किसको बोलना नहीं, मैं तो आपको भूल से कैसे बोल दिया है, पिताजी मेरे को मना की है। तो उन्होंने सारी बात को बताए, मैं जगन्नाथपुरी से, हाँ वहां पर जगन्नाथपुरी से राजा ने हमको यहाँ पर भेजा है, हाँ इसलिए मैं केवल नील माधव को पता लगाने के लिए आया हूँ, अगर ये पता नहीं लगा पाऊंगा ना फिर तो मैं तुमको भी छोड़कर चला जाऊंगा, अभी शादी हो गई, अगर पति चले जाए तो क्या होगा, हाँ वो तो फंस गई,
फिर उन्होंने रात को जब पिताजी के चरण दबाते समय चरण दबाते समय फिर वो रो रही थी। पिताजी बोले बेटी क्यों रो रही हो? बोले पिताजी ऐसे ऐसे बात, मेरे पति जी की इच्छा है थोड़ी सी नील महादेव को दर्शन करेंगे। बोले बेटी तेरे को मैंने मना की थी, किसको बोलना नहीं? बोले मैंने तो जैसे बोल दिया, अब बोलते ही अगर दर्शन नहीं कराओगे तो फिर वो भाग जाएंगे, फिर भाग जाएंगे ना मैं जहर खा के मर जाऊंगा। स्त्रियों का ये बहुत बड़ी एक अस्त्र है कोई इधर उधर हो गया तो जहर खा लूंगा। हाँ, इसीलिए फंस गए। एक ही बेटी कोई है नहीं। फिर उन्होंने बोले देखो मैं उसको उनको आंखों में काला पट्टी बांध करके ले जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। उन्होंने अपना पत्नी से बोले क्या करे, बाद में फिर राजा को दर्शन करा सकता हूँ। बोले एक काम करो, मैं अपना हाथों में सरिसों को बांध करके पुतला बांध करके दे दूंगी। आप जब आपको आंखों में जो पट्टी बांध करके ले जाएंगे ना, आप एक काम करना, रास्ता में उस सरिसों को फेंकते 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 जाना। कुछ दिन बाद में श्रावण का महीना आएगी, बारिश होते ही वहां पर सुंदर वहां पर वृक्ष निकलेगा, फिर आपको पता चल जाएगा ठाकुर जी कहाँ है। उन्हें ठीक उन्होंने पैसे किया, उन्होंने वहां लेकर के आंखों में पट्टी बांध कर ले गया और खोला तो क्या दिव्य सुंदर है, महानदी बह रही है, बड़ा विशाल नदी वहां पर, गिरिराज गोवर्धन है जैसे सुंदर पर्वत है, चारों तरफ में नारियल का पेड़, कटहल का पेड़, आम का पेड़ जैसे वृंदावन है, सुंदर सुंदर फल फूल से लदे हुए अपूर्व स्थान है। ठाकुर जी को दर्शन किया, अपूर्व ठाकुर जी है, गंगा स्वयं चरण से गंगा प्रकट हुई। इतने में जो विश्वास सबर था बोले देख तुम यहीं पर बैठो, मैं फल फूल लेने जाता हूँ, ला करके फिर पूजा सेवा करेंगे फिर वापस चले जाएंगे। वो उन पर बैठा हुआ था, उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा। देखा वहां पर एक कुंड थी, रोहिणी कुंड, वहां पर एक वटवृक्ष के ऊपर में एक कौवा बैठ करके झूम रहा था, हाँ आंख बंद करके सो रहा था। हठात कैसे वृक्ष के ऊपर से पानी में गिरा, पानी में गिरते ही उसका चार हाथ हो गया और देखते देखते वैकुंठ से विमान आया और चतुर्भुज को धारण करते हुए सीधा वैकुंठ। बोले हे भगवान, ये कुंड की इतने महिमा, एक कौवा गिरा तो सीधा वैकुंठ चला गया। बोले भैया मैं भी ये पेड़ को चढ़ करके ना मैं भी चला जाता हूँ, मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। इतने में वो पेड़ को बोले चढ़ रहा था, आकाशवाणी बोले सावधान, बोले तुम जिस काम के लिए आए हो ये जगत का बड़े मंगल होने वाले हैं, जगत कल्याण होने वाले, तुम छलांग मत लगाया करो। उनका आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई तो फिर उसने उतर करके आ गया हैं। फिर ठाकुर का सेवा पूजा करके जब चले गए, फिर उसने वापस आया राजा को पास में। बोले महाराज मैंने ठाकुर जी को पता लगा लिया। बोले हाँ। बोले चलो, उन्होंने सन्यास सामंत को लेकर के आए। बोले ये विश्वास जो सबर है ये ठाकुर को कहीं गायब नहीं कर दे, चारों तरफ में सैनिक को घेर लिया चारों तरफ में। जब घेर लिया वहां आकर के देखते ठाकुर है, ठाकुर नहीं। इतने में राजा ने आदेश दिया, लगता है इसने ठाकुर को कहीं गायब कर दिया, उसको बंदी सलाम डाल दो। जब उसको बंदी करने गए इतने में ठाकुर जी बोले महाराज इंद्रदुम्न महाराज, आपको ये नील माधव रूप में दर्शन नहीं मिलेगा, मैं स्वयं समुद्र का पानी में दारू ब्रह्म रूप में मतलब लकड़ी रूप में मैं बहते बहते जहां पर हमारे गुरु जी ने मंदिर लिया है, जहां पर चक्र देता हमारा, जहां अपना गुरु जी जहां पर अपना अंतिम श्वास जहां पर छोड़े हैं, अप्रकट हुए हैं, ठीक वहीं पर उसको कहते बाकी मुआनी चक्र देता है, लकड़ी आकर वहीं पर लगा था, कल मैं वहीं पर आकर के दारू ब्रह्म रूप में काष्ठ रूप में मैं ही पर आऊंगा और मेरे को उसी से मेरे सुंदर स्वरूप बना करके मेरे को दर्शन करना। फिर वो वापस जब आए देखा सचमुच से तीन लकड़ी समुद्र में बहते बहते तीन लकड़ी वहां पर आए। राजा जब लेने के लिए गए ना उसको टस मस्त भी नहीं कर पाए। फिर ठाकुर के चरण में शरणागत हुए, बोले क्या करेंगे? बोले एक काम करो, ये विद्यापति और विश्वावसु जो समर है उसको ला रथ की सिंहासन बनाओ, हाँ बना करके उसमें मेरे को बैठाओ, बैठा करके करताल मजीरा मृदंग को साथ में मेरे को ले चलो।
अरे उनको बुलाए, सोने के रथ के सिंहासन बनाए और उसको उन्होंने हाथ लगाते ही वो ठाकुर अपने आप रथ के ऊपर में चढ़ गए। चढ़ के घर ले आए, जब ले आए अभी ठाकुर बनाएंगे, बुलाया कारपेंटर को बुलाया, लेकिन उसमें जो छेड़ी हाथुड़ी है ना उसमें लगाए तो कोई भी थोड़ी सी भी दाग तक भी नहीं आया, मतलब इतने कठोर था लकड़ी, किसी तरह से बना नहीं पाए। राजा फिर चिंता में पड़े, फिर स्वयं बलदेव प्रभु स्वयं विश्वकर्मा बन करके आते हैं, उनका नाम है अनंत महाराणा। महाराणा जिसको कारपेंटर को हम उड़िया भाषा में महाराणा कहते हैं, स्वयं ठाकुर जी बलदेव प्रभु, तो ठाकुर को कौन बनाएगा, बलदेव प्रभु वो स्वयं सेवा विग्रह है, वही बना सकते हैं नित्यानंद प्रभु। स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण करके आए, बोले देखो महाराज एक सुंदर घर बना, घर बना करके ये तीनों लकड़ी को अंदर में रख लो और ये दरवाजा बंद कर दो, 21 दिन तक ये दरवाजा नहीं खोलना। बोले ठीक है, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अभी ठाकुर जी को बनाना शुरू किया, 14 दिन तक तो जैसे बनाते ना लकड़ी काटते हैं, खट 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 शब्द आए, 14 दिन के बाद में शब्द बंद हो गया। जो रानी थी गुंडीचा, बोले महाराज ऐसे तो वैसे देखने में बुढ़ा था, पर 14 दिन तक बिना खाए भी अंदर में देखने में ब्राह्मण स्वरूप का, अगर मर गया ना किसी तरह से फिर ये ब्रह्महत्या पाप लगेगा। हाँ, ये ब्रह्महत्या पाप बड़े खतरा है, ये ब्रह्महत्या पाप लगेगा, इसलिए आप ये दरवाजा को खोलो। राजा का रानी मेरे को उन्होंने बताया 21 दिन तक नहीं खोलने का, अभी केवल 14 दिन हुआ है, बोले नहीं अगर मर गया तो ब्रह्महत्या पाप लगेगा, देखो कोई आवाज बावाज नहीं आ रही, 14 दिन तक खाना पीना कुछ खाए नहीं, जिंदा कैसे रहेगा, खोलो उसको। रानी इतने पीछे पड़ी गई, इतने स्त्री हट है ना, इतना पीछे पड़ गई, इतने पीछे पड़ गई, राजा को दरवाजा खुलवा करके छोड़ी। जब उन्होंने दरवाजा को खोले देखा वो कुछ है ही नहीं, वो अंदर जो था ना वो जो कारपेंटर है ही नहीं, देखा अभी जैसे जगन्नाथ जी तीन विग्रह जैसे हाथ नहीं पैर नहीं, हाँ उनका इतने बड़े बड़े आंख है, हाँ हाथ ऐसे हैं पैर ऐसे हैं, कुछ है नहीं ऐसे ठाकुर जी। फिर राजा ने देखा ही भगवान मेरी अपराध हो गई, क्योंकि जो मोटी मोटी काम तो हो गया था, जैसे आंख निकालने वाले, नाक बनाएंगे, अंगूर बनाएंगे, प्यार बनाएंगे, ये सब बनने वाला था, जो सूक्ष्म काम बाकी रह गया था, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, मोटे मोटे काम तो हो गया था, मैंने गड़बड़ी कर दिया, 14 दिन में हमने खोल दिया। फिर उन्हें ठाकुर को चरण में लेटे, बोले ठाकुर जी मैं ये प्राण त्याग कर दूंगा, मैंने अपराध कर दिया। इतने में ठाकुर जी सपने में आए, बोले महाराज मेरा यही नित्य स्वरूप है, मैंने इसी रूप में ही प्रकट होना चाहता था, यही मेरी नित्य स्वरूप है, अगर आपकी मेरे रूप देखने की इच्छा है आप सोने में मेरे सारे रूप बना देना, इसलिए आप जगन्नाथपुरी में जाओ, जब भगवान रामचंद्र का जन्म तिथि आता है, जगन्नाथ जी को सोने में बना हुआ धनुष छत्री, हाँ जैसे राम लक्ष्मण सीता है ना, वहां पर राम लक्ष्मण बलदेव लक्ष्मण है, इस सुभद्रा को सीता बनाते हैं, जगन्नाथ जी साक्षात राम रूप धारण करते हैं, पूरा सोने में पूरा बना हुई है। जब भगवान वामन देव का अवतार होता है, पूरा वामन देव का रूप जगन्नाथ जी को, जैसे भगवान छत्री लेकर के बलि महाराज के दरबार में भिक्षा मांगने जाते थे, पूरा स्वरूप बनाते हैं। जब नरसिंह भगवान का रूप आता है, नरसिंह अवतार जगन्नाथ जी को नरसिंह रूप धारण कराते हैं, क्योंकि श्री कवि जयदेव कहते हैं ना, बोले प्रलयो पयो धी जले धृता केशवधृता मीना शरीरा जया जगदीश हरे जया जगदीश हरे खीतरे हबे पो लतरे ते स्टति तब प्रेष्टे। इसलिए कवि जयदेव दशावतार स्तोत्र गाते हैं, हाँ केशव धृत मीन शरीर,
केशव धृत कल्कि शरीर केशव धृत कूर्म शरीर केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरि। हैं बोले ये कौन है, बोले केशव धृतम, ये कृष्ण ने ही धारण किया, इसलिए कृष्ण का एक नाम केशव है। बोले केशव नाम क्यों पड़ा, बोले क मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शंकर, इनका जो प्रभु है भगवान केशव है। बोले दूसरा अर्थ है केशव मतलब, बोले केशम बयाति इति केशवम, जब रास लीला में जब कृष्ण राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए, जहां निकुंज में श्री राधा जी को बैठा करके कृष्ण स्वयं श्री राधा जी की जो केश गोद में संभाले, उनको केश और सुंदर फूलों की माला बना करके राधा रानी के चोटी को सुंदर रूप में उन्होंने श्रृंगार कर दिया था, इसलिए उनका नाम है केशव। मतलब ये सब रूप किसने धारण किया, मतलब केशव ही भगवान कृष्ण नहीं, ये मत्स्य कूर्म वराह जितने सारे अवतार है ये भगवान कृष्ण ही सबके सब धारण किए। इसलिए श्री जगन्नाथ जी को इसी रूप में दर्शन होता है। इसलिए ये जो स्वरूप है जगन्नाथ जी की, हाथ नहीं प्यार नहीं क्यों नहीं है, फिर गुरु जी रथ यात्रा प्रसंग में देते हैं इसका क्या कारण है, क्यों जगन्नाथ जी हाथ ऐसे है आग ऐसे है, ये क्या चीज है, इसकी कथा अलग है। इसलिए अभी कितना समय बाकी, समय हो गया सुनेंगे, ठीक है अभी वो कथा सुनेंगे जगन्नाथ जी ऐसे क्यों है बहुत। इसलिए हमारे श्री गौरव गोविंद महाराज है, गौरव गोविंद महाराज श्री जगन्नाथ को कहा करते थे, बोले राधा विधुरा, ये राधा विधुरा है, मतलब राधा जी के प्रेम में ये रूप है, है? ये राधा विधुरा है। बोले चैतन्य महाप्रभु कौन है, बोले कृष्ण विधुरा, ये कृष्ण को ढूंढ रहे, क्योंकि स्वयं कृष्ण कलयुग में राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के महाप्रभु का रूप में आए, महाप्रभु कृष्ण ढूंढ रहे, हाँ कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ जाने पर वो श्याम सुंदर कृष्ण कन्या मिले, महाप्रभु इसी विरह में ढूंढ रहे हैं कृष्ण को। और जगन्नाथ किसको ढूंढ रहे हैं, जगन्नाथ श्री राधा रानी को ढूंढ रहे हैं। इसलिए श्री गौरव गोविंद महाराज जगन्नाथ जी को बड़ी महिमा बताया करते, बड़ी महिमा बताया करते थे। इसलिए जगन्नाथपुरी को है ना, इसलिए जगन्नाथपुरी का जो नाम है उसका नाम जगन्नाथपुरी, पूरी मतलब क्या, जो पूरी खाते हैं पूरी मतलब होता है पूर्व महल, हाँ जैसे अयोध्यापुरी मायापुरी काशीपुरी अवंतियापुरी, हाँ उसे जगन्नाथपुरी, पूरी मतलब जहाँ भगवान के नित्य निवास है, इसलिए उसका नाम जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी मतलब जहाँ साक्षात श्री जगन्नाथ जी निवास करते हैं, उसका नाम नीलाचल। नीलाचल मतलब क्या, नील, नील मतलब होता है नील, अचल मतलब पर्वत, जो नीलाचल जो पर्वत है वो एकदम नील पर्वत के ऊपर में जगन्नाथ जी मंदिर का विद्यमान है, उसका एक नाम है शंखक्षेत्र। अब जगन्नाथपुरी जाएंगे वहां पर देखना जगन्नाथ मंदिर को सामने एक शंख बना हुआ है, तो जगन्नाथपुरी का आकृति कैसे है, मतलब शंख जैसे है, हाँ एकदम शंख और शुभवाची है, शंख ध्वनि करते है ना, शंख बजाते हैं हम लोग, इसलिए कभी ये शंख क्षेत्र है इसका नाम, और इसका नाम है श्री क्षेत्र। श्री मतलब श्री राधा रानी, क्षेत्र मतलब जो जो पुरी है श्री राधा रानी की ही ये क्षेत्र श्री पुरी धाम है, इसलिए पुरी धाम की बहुत महिमा है। इसलिए श्री गौरव गोविंद महाराज वहां कहते हैं जगन्नाथपुरी की, बल पुरी का इतना महत्व क्यों, बोले पुरी तो उसका पहले महत्व तो था, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए उसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ गया। बोले क्यों बढ़ गया, बोले महाप्रभु कौन है, महाप्रभु क्यों आए, बोले कृष्ण जब उनको द्वापर युग का लीला समाप्त हो गया, कृष्ण का जब द्वापर युग को बाद में कृष्ण जब मध्य जगत को छोड़ करके अपना गोलोक वृंदावन में कृष्ण गए, एक दिन निकुंज में कृष्ण बैठे हुए और ऐसे सिर पर हाथ दे करके बड़ी गहरी चिंता में बैठे हुए, हाँ कृष्ण सोच रहे हैं कहते मैं स्वयं रसिक शिखर कृष्ण परम करूं, मैं स्वयं रस स्वरूप हूँ, मैं अखिल रसामृत मूर्ति हूँ, हाँ मैं साक्षात रस स्वरूप हूँ जिससे सारे रस दुनिया को मिलता है, लेकिन मेरे मन में जो इच्छा थी सारी इच्छा को तो मैंने पूरी की है, लेकिन एक चीज मेरे सिर से ऊपर निकल गया, एक चीज में समझ नहीं पाया, बोले वो क्या है, बोले राधाया प्रणाम महिमा की,
राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है, राधा मुझे भी देखती हैं, मैं भी राधा रानी को देखती हूँ, मुझे भी कृष्ण राधा जी को देख करके आनंद होता है, राधा मुझे देख करके आनंद होती है, लेकिन मुझे जो आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुण ज्यादा राधा रानी को आनंद मिलता है। एक दस गुण नहीं, सौ गुण नहीं, बल्कि करोड़ों गुण ज्यादा राधा रानी को आनंद होता है। ये आनंद है क्या चीज है? राधा जी के प्रेम में कोई विशेष चीज है? क्योंकि उस शरीर में जो दिव्य उन्माद है, जो प्रेम की चमत्कारिता है, मेरे अंदर वो प्रेम चमत्कारिता नहीं है, वो दिव्य उन्माद मेरे अंदर में नहीं है। जरूर ये राधा जी के प्रेम में कोई चीज है। इसलिए स्वयं को प्रेम को आस्वादन करने के लिए स्वयं कलयुग में कृष्ण राधा जी भाव और अंग कांतियों को लेकर के महाप्रभु रूप में आए। उन्होंने कहां आस्वादन किए लीला को? पुरी में, पुरी गंभीरा में। हाँ, अब लोग गए गंभीरा है, गंभीरा मतलब होता है गंभीर। गंभीर क्या है? राधा का भाव गंभीर, सबसे जो गंभीर है राधा रानी का भाव ही गंभीर है। हाँ, जहां पर कृष्ण भी, जिस प्रेम समुद्र में कृष्ण भी डूब जाए, वो भी राधा रानी के प्रेम की कोई था नहीं पाते, इतने राधा रानी के प्रेम की इतने गहरा है। हाँ, इसलिए जो इच्छा को कृष्ण गोलोक वृंदावन में भी पूरी नहीं कर पाए, वो इच्छा को कृष्ण कहाँ पूरी करते हैं? जगन्नाथ ये पूरी में ये इच्छा को पूरी करते। इसलिए ये पूरी की इतने महिमा है। और महाप्रभु वहां रहते समय स्वरूप दामोदर राय रामानंद, ये कौन है? ये ललिता विशाखा है, रूप मंजरी है, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी, इनको साथ में रहा करते थे। इसलिए महाप्रभु का जो धाम है जगन्नाथपुरी धाम की बहुत बहुत महिमा है। इसलिए हम और एक कथा सुनेंगे क्यों जगन्नाथ जी ऐसे बने। ठीक है, एक मिनट कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama
ब्रज में करीब 11 साल तक रहे, उसके बाद में कृष्णा जाते हैं मथुरा जाते हैं, फिर मथुरा में कंस को उधार करके जरासंध आक्रमण करने पर प्रभु चले जाते हैं द्वारका। द्वारका में प्रभु जाकर के 16,108 पटरानियों को साथ में प्रभु शादी करते हैं। जब शादी करते हैं, लेकिन कृष्णा ये ब्रज का जो स्मृति है इसको भूल नहीं पाते, क्योंकि जो ब्रज का जो प्रेम है वो अद्भुत प्रेम है, ब्रज प्रेम। इसलिए कृष्ण तो शादी कर लिया 16,108 पटरानियों से, क्यों शादी किया है, कारण क्या है? बोले कारण है, कृष्ण जो रास रचाए ना, तो उनको भी 16,108 गोपियां भी थी। इन्होंने जो उन्होंने आठ उनका जो मेन पटरानिया है, रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, जाम्बवती, मित्रवंदा, हाँ, जो सत्या, ये जो उनको आठ जो पटरानियां हैं, कि इनको साथ में कृष्ण का जो आठ जो सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगभद्रा, चित्रा, सुचित्रा, रंगदेवी, सुदेवी, उनको साथ में करके मिलता है। हाँ, कृष्ण ब्रज का चिंता में दिन भर डूबे रहते थे, इसलिए देखा इनको साथ में कुछ मिलता जुलता है, इसलिए वो विरह दूर हो जाए, इसलिए उन्होंने आठ पटरानियों को ले लिया। उसके बाद में कृष्ण 16,100 पटरानियों को शादी करते हैं, कहते इनको साथ में गोपियों की कुछ 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 भावना मिलती है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी ललितमाध और विदग्धमाध और नाटक में इस चीज को वर्णना करते हैं, अद्भुत रूप में उन्होंने वर्णना करते हैं, कैसे एक एक जो ब्रज की जो गोपियां हैं, कैसे एक एक भाव को लेकर के इस सबके सब कैसे व्रती द्वारका में इस सब उनको पटरानी बन करके आए। कृष्ण जब रात को सोते हैं, किसको पास में सोते हैं? रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी सोते हैं इनको पास में, लेकिन रात को स्वप्न देखते हैं वृंदावन। जब सोते हैं कभी कभी, हे राधे तुम कहाँ हो, हे ललिते तुम कहाँ हो, हाँ मैया जसोदा तुम कहाँ हो, हे श्रीदाम वसुधा तुम कहाँ हो, गैया का नाम श्यावली धवली नाम को ले लेकर के प्रभु रात भर रोते रहते, और कभी कभी ब्रज का नाम ले लेकर के कभी कभी अपना आंखों का आंसू से प्रभु तकिया भिगा देते हैं। अभी ये सबके सब जो महिषियां कृष्ण की, बोले भैया ये ग्वाल मिया वृंदावन में रहते जंगल में, पता नहीं ये कृष्ण ने क्या जादू डाल दिया, हम एक से एक सुंदरी, हाँ एक से एक सुंदरी, और राजघराने की लड़की ऐसे नहीं, सारी कला में हम निपुण हैं, हाँ सारी कला में सारे विद्या को हम पढ़े हुए हैं, और हम जो वस्त्र पहनते हैं, एक एक साड़ी सोने के एम्ब्रॉयडरी में काम, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपया की एक साड़ी का कीमत है, शरीर को क्या श्रृंगार, एकदम सिर से लेकर चरण तक एकदम सोने के श्रृंगार, हम इतने सुंदर ही, पता नहीं ये गोपियां जंगल में रहती है कोई श्रृंगार है नहीं, पता नहीं ये क्या जादू ना कर दिया, ये कृष्ण सोते हैं हमारा पास में और रोते हैं वृंदावन के लिए। और कभी कभी रुक्मिणी का साड़ी को खींच करके कहते हैं राधे तुम कहाँ हो,
हे राधे तुम कहाँ हो। इसलिए वो आपस आपस में मैया मैया बात कर रही थी। इतने में सत्यभामा आ गई, बोले कल रात की बात है, कृष्ण तो सो रहे थे मेरे साथ में, कल रात की बात है, राधा रानी ललिता का नाम को ले लेकर कृष्ण रात भर रोते रहे और कृष्ण बेहोश भी हो गए। पता नहीं इन लोगों ने क्या कृष्ण के ब्रज में रहते हुए क्या किया है। अभी ये महेश ने एक दिन माता रोहिणी को पास में आए, क्योंकि कृष्ण जब वृंदावन में थे केवल वहां एक व्यक्ति थी जो वो वृंदावन में कृष्ण का सारे लीलाओं को देखी है। कौन है? श्री दाऊ भैया की जो मैया श्री माता रोहिणी। महिषियों ने सबके सब रोहिणी को पास में आई, बोले मैया हमें थोड़ा ब्रज की कथा सुनाओगे, क्योंकि ये कृष्ण वृंदावन की हर समय क्यों याद करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, देखो दरवाजा खुल गया ना वृंदावन। इसलिए कहते हमें थोड़ा वृंदावन की कथा सुनाओगे, ये वृंदावन में प्रभु कैसे कैसे लीला करते हैं। तब रोहिणी बोली देखो मैं तो सुना सकती हूँ लेकिन एक विपद भी आ जाएगी। बोले क्या? बोले अगर कृष्ण वृंदावन की कथा सुनेंगे फिर तुम लोगों को पास में कृष्ण रहेंगे नहीं, तुम सबको छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे। क्योंकि जो वृंदावन का जो प्रेम है वो अद्भुत प्रेम है, उनको प्रेम के सामने तो कुछ का तुलना भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसे उनकी शुद्ध प्रेम है। ये ब्रजवासियों का नहीं रहेंगे फिर तुम छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे एक स्थान देखो जहाँ एकांत स्थान हो, वहां पर कृष्ण बलराम पहुंच नहीं पाए, फिर वो गुप्त स्थान में बैठा करके मैं कुछ कथा सुना सकती हूँ। बोले ठीक है चलो अंदर महल में चलते हैं। अंदर महल में बैठेंगे, अभी कृष्ण बलराम अभी सुधर्मा सभा में उनका राज सिंहासन में कृष्ण बलराम बैठे हुए, उनको पता ही नहीं चलेगा, और वहां दरवाजा बंद कर देंगे और ये सुभद्रा को बीच में खड़े कर देंगे। तो सुभद्रा अगर कृष्ण बलराम आए ना खबरदार घुसने मत दिया करना, तुम पहरादार बैठ रहना। तब तो मैया रोहिणी फिर तो उन्होंने ब्रज की कथा सुनाई। क्या ब्रज की कथा उन्होंने सुनाई वृंदावन की। बोले क्या बताऊं वृंदावन में कृष्ण जब जन्म हुए ना उस समय मैं भी थी। गोपियां कहती हैं बोले जयति तदधिकम जन्मना ब्रजा श्रयति धीरा शाश्वदात्रहि दयितदृक्सता दीक्षुता अब का तोई धृता सव त्वां विचिन्वते। गोपियां गोपी गीत का जो पहला श्लोक है बोले जयति तदधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इन्दिरा शाश्वदात्रहि। तो भगवान जब ब्रज में गोकुल में कृष्ण जब जन्म लेते हैं उसी समय बोले सयत इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, मां लक्ष्मी की साक्षात क्रीड़ा भूमि बन गई। क्योंकि विश्व ब्रह्मांड का मालिक भगवान कृष्ण आ रहे हैं, साधारण कोई राजा आए उसके लिए कितने स्वागत है, क्या करते हैं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक आ रहे हैं उनके लिए क्या स्वागत नहीं होनी चाहिए। जैसे एक सुंदरी दुल्हनी जैसे सुंदर सोलह श्रृंगार कर लेती हैं, कृष्ण आएंगे देख करके वृंदावन इतने सुंदर फूल फल लता पताओं से ऐसे भर गए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले भगवान अपि तारात्रि सरद उत्फुल्ल मल्लिका बिकसरन्तु मनश्चक्रे जोगमायांगम उपासितम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले भगवान अपि तारात्रि सरद उत्फुल्ल मल्लिका। भगवान जब जन्म लेते हैं सारे फूल पेड़ पौधा में सारे फूल फूल प्रकट हो जाता है, और उसी समय एक साथ में छह ऋतु, हाँ जो छह ऋतु एक साथ में कृष्ण सेवा करने के लिए वहां प्रस्तुत हो जाते हैं। इसलिए उसी समय कमल फूल खिलता है रात को दिन को, लेकिन कमल फूल रात में खिल जाती है कमल फूल। हाँ इसलिए सारी जमुना नदी कलकलनाद से बह रही है,
अपूर्व दिव्य वृंदावन धाम की शोभा है। इसलिए भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं बोले जयति ते धिकम जन्मना ब्रज, कहाँ जन्म लिए है। साधारण लोग सोचते हैं अरे कृष्ण मथुरा में जन्म लिए, नहीं, गोपियां कहती कृष्ण मथुरा में नहीं, कृष्ण वृंदावन में गोकुल में जन्म लेते हैं। मैया जसोदा का नंद के लाला बन कर कन्हैया जन्म लेते हैं। इसलिए बोले नंदस्तु आत्मद चातलाद महामना, श्री सुखदेव गोस्वामी नंद उत्सव से पहले कहते हैं बोले नंदस्तु आत्मद चातलाद महामना। इसलिए भगवान जब जन्म लिए नंद बाबा बड़े खुश हो गए। इसलिए हम क्या कहते हैं, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, गोकुल में आयो नंद लाला, नंद बाबा इतने दान करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित रमा किरण अभूत नित्व, ऐसे लग रहा था भगवान कृष्ण ब्रज में जन्म लेने पर साक्षात लक्ष्मी स्वयं उतर करके आ गई
और इतने उन्होंने दान पुण्य किया ब्राह्मण को, हीरे जवाहरात इतने दान पुण्य कर रहे थे ना, ब्राह्मण लोग गठली बांध बांध कर ले नहीं पा रहे थे, वो गठली का कोड़े से हीरे जवाहरात बिखरते हुए जा रहा था, अगर हम होते ना उठा कर लेते। इसलिए इतने दान पुण्य कर रहे थे श्री नंद बाबा, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी आनंद में अली गलियों में माँ लक्ष्मी नाच रही हैं, ऐसे लग रहा था जहां पर स्वयं शंकर भोले बाबा भी आए थे अपना पत्नी और बच्चों को लेकर के नंदोत्सव दर्शन करने के लिए। नंद बाबा तो 20 लाख गया दान दिए, जिनके सिंह को सोने में मढ़वा करके, खूर को चांदी में मढ़वा करके उन्होंने प्रदान किए, हाँ उसी समय 20 लाख उन्होंने दिया, कितने होगा बताओ, लाख कितना, 20 लाख कितने, हाँ इसलिए इतने उन्होंने दान दिया। जब उन्होंने इतने दान दिया ना, कहते शंकर जी तो डर गए, बोले क्यों शंकर क्यों डर गए, बोले भैया इतने इतने गैया, इतने गैया दे रहे ना, मेरे बहन भी गैया है, बैल है, ऐसे इतने 20 लाख ऐसे दान देते देते भूल से मेरे जो बैल है नंदी उसको भी दान नहीं कर जाए, इसलिए शंकर जी को पूछ पकड़ लिए, बोले भैया मेरे बैल को दान नहीं हो जाए फिर मैं जाऊंगा कैसे, हाँ अगर बहाने चला गया तो जाऊंगा, खाली बिहार में थोड़ी जाऊंगा। कहते वहां पर श्री मैया स्वयं आई थी, देव हाँ स्वयं पार्वती देवी भी आई थी अपना बच्चे गणेश कार्तिक को लेकर के, बोले हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, वो इतने हाथी घोड़े दे रहे थे। भैया पार्वती बोले भैया मेरा बेटा का सिर भी हाथी जैसे, गणेश जी का सिर हाथी जैसे ना, तो इतने हाथी दे रहे हैं, हो ना हो भूल से मेरे बेटे को भी दान नहीं दे, मेरे बेटे चल जाएगा। मैया पार्वती तो अपना बेटे को गोद में उठा ली और हाथ में चिपका कर खड़ी थी, मेरे बेटे को दान में नहीं चले जाए। कहते वहां पर कुबेर भी आए थे, हाँ धन कुबेर, कृष्ण नंद उत्सव दर्शन के लिए धन कुबेर आए थे। धन कुबेर देखा, हे भगवान आज नंद बाबा इतने इतने दान दे रहे हैं, हे भगवान इतने दान, मेरे को ठाकुर झूठ उनका कुबेर बना दे, कुबेर कौन है, सारे पैसा का जो मालिक है, हाँ सारे पैसा का मालिक है, कर इतने दान इतने, हे भगवान मेरे को कुबेर क्यों बनाया, मेरे पास में इतना धन है ही नहीं, झूठ मूठ का मैं कुबेर बना दिया। बोले भैया नंद बाबा के पास में इतने माल आया कहां से, कहते इतने माल कहां से आया, बोले जब भगवान कृष्ण स्वयं जन्म लेते हैं उनकी लादनी शक्ति से राधा रानी स्वयं प्रकट होते हैं, इसलिए जो राधा रानी है ये सर्वलक्ष्मीमयी, ये सर्वलक्ष्मीमयी, हाँ कहते ना मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भद्र पंकज निकुंज भो विलासिनी प्रजेन्द्र भानु नंदिनी प्रजेन्द्र सोन संगते कदा करी ससीरमा कृपा कटाक्ष भाजन मकेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद कानमेश्वरी प्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिपे नमस्ते। सर्वलक्ष्मी राधा रानी, हाँ जब राधा रानी मखेश्वरी क्रियेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी सबका जो ईश्वरी श्री राधा रानी, जब राधा रानी प्रकट हो जाए फिर तो कमी किस चीज है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णना करते हैं, जब राम जब अपने धनुष तोड़े, अभी दशरथ महाराज को पता चला मेरा बेटा धनुष तोड़ दिया है, तो उन्होंने पूरा बरात लेकर गया है, हैं पूरा अयोध्या से बरात कहाँ लाए जनकपुरी में, जब बरात लाए जो बराती पहुंचना देखा वहां के जो लोग टॉयलेट करने जाते हैं जो लोटे में पानी ले जा रहे थे सोने की था लोटे और जो ब्रश कर रहे थे ना सोने की ब्रश है। हे भगवान यहाँ के जो बाहर जो गांव में रहते हैं जो पात्र सोने की लोटे लेकर जा रहे हैं, फिर जब वो बराती गई उनको जो प्लेट में खाने के लिए दिया ना वो सोने की प्लेट और सोने की कटोरी में सब्जी और सोने की प्लेट में रोटी और चावल दिया, और क्या जैसे हम एक बार
खाने के बाद प्लेट को डस्टबिन में डाल देते हैं, वो सोने की कटोरी और प्लेट को एक बार खा कर धोना नहीं, उसको डस्टबिन में डाल दो। अयोध्या वासी देख देख के बोले, हे भगवान, सोने की कटोरी और सोने की प्लेट एक बार खाओ और डस्टबिन में डाल दो। उनकी इच्छा हो रहा था भैया यहाँ से उठा कर कुछ ले जाए। बोले भैया हम बरात दिए, भगवान राम के साथ में बरात दिया है, अगर इसको उठा करके ले जाके तो बदना भी हो गया। बोले देखो इसलिए मतलब वहां इतने सेवा की, अयोध्या वासी तो देख देख रह गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भैया इतने धन दौलत आया कहां से? कहते वहां सख्यात लक्ष्मी है। कौन है? सीता है, स्वयं जनक नंदिनी सीता है। इसलिए सीता माता जी ने रिद्धि सिद्धियों का आदेश देती है, ऐसे अयोध्या वासियों को ऐसे स्वागत हो, ऐसे बराती हो, जिंदगी भर याद किया उनको, क्या स्वागत की गई है। इसलिए जब यहाँ भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, माँ लक्ष्मी स्वयं राधा रानी वहां प्रकट हो जाती है, कहते मेरे प्रभु जन्म हुए हैं, इतने दान पुण्य इतने हो, सारा दुनिया याद रखे मेरे प्रभु का जन्म तिथि में नंद के आनंद में हो जय कन्हैया लाल की। इसलिए माता रोहिणी एक एक करके कृष्ण ब्रज में जो लीला में वो थी सख्यात रोहिणी, एक एक कथा सुना रहे थे। जब कृष्ण धीरे धीरे कृष्ण बड़े होते हैं, ये जब मैया यशोदा की गोद में बैठे करके कन्हैया दूध पीते हैं, मैया जब कन्हैया को मक्खन खिलाती है, ये जितने ब्रज की जो मातृस्थानी गोपियां, इनके दिल में भी तरस आती है, क्या कन्हैया कभी हमारे घर में आएंगे, हम भी कन्हैया को कभी गोद में बैठा करके हम भी कभी मक्खन खिलाएंगे, हम भी कभी इनको दूध पिला सकती है, उनका हृदय में की हसन है, इनके हृदय में भावना है। अभी भगवान कृष्णा गोपियों के हृदय की भावना को समझते हुए कृष्णा मक्खन चोरी करते हैं, घर घर में जाकर कन्हैया मक्खन चोरी करते हैं। एक दिन कन्हैया मक्खन चोरी कर रहे थे, एक गोपी कोने में बैठी हुई थी, जब मक्खन उन्होंने खा लिया ना कन्हैया, झट पकड़ लिया, बोले कहाँ जाओगे आज, तेरे घर में बांध करके रखूंगी। कन्हैया बोले, गोपी तेरे पांव पड़ता हूँ तो आज छोड़ते, कल से मैं नहीं आऊंगा। बोले नहीं, आज तेरे को मैं बांध करके रखूंगी घर में, खंबे हाथ रखो इसमें, तेरे को मैं बांध दूंगी। कन्हैया खंबे में हाथ रखे, वो गोपी अपना चोटी जो रेशम का रस्सी में वो चोटी को चोटी से उसको निकाले, निकाल करके उसने कन्हैया को बांधने गई, लेकिन भगवान का हाथ तो निताई पद कमल कुटी चंद्र सुशीतल, भगवान का शरीर तो अत्यंत मक्खन जैसे मुलायम है, जो बांधने के लिए जाए ना बंधने में नहीं है, किसी तरह से बांध नहीं पा रही थी। इतने में कन्हैया का हाथ, गोपी तभी तू किसको बांध सकती हो, तुमने कभी बंधी गई ही नहीं कभी, तभी तो सीखोगे तब तो बांध सकती हो। बोले कन्हैया क्या तेरे को बांधना आता है? बोले और क्या, बोले थोड़ी सिखा दे। बोले खंबे में हाथ रख, अब तेरे को भी सिखाता। बोले खंबे पर हाथ रख, अभी वो गोपी हाथ रखी, कृष्ण एक बार लपेटा, दो बार लपेटे, एक गांठ लगाई, दो गांठ लगाई और बूंदा अच्छी तरह से बांध दी। बोले कन्हैया बड़े सुंदर तेरे को बांधना आता है। बोले और क्या? बोले कन्हैया थोड़ा खोल दे। बोले गोपी मैंने तो कभी किसको खोलना सिखाई नहीं, क्यों तो जिंदगी में मैंने कहा बंधना ही मेरे को आता है, मैं कभी तो किसको कभी मैंने सिखाई नहीं। बोले गोपी तेरी बात क्या है, मैं तो अपना प्रेम से बड़े बड़े जोगियों को, बड़ी बड़ी ज्ञानियों को भी अपना प्रेम रूप रस्सी में मैं बांध देता हूँ। सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी थे, वो संपूर्ण ब्रह्म में डूबे होने वाले थे, ऐसे नहीं, एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। एक ज्ञान होता है हाँ ब्रह्म निराकार निर्विशेष ब्रह्म है, एक विज्ञान होता है जो अनुभूति संपन्न। सुखदेव गोस्वामी कहते परिनिष्ठित नरिभुन ने उत्तम श्लोक लिया, संपूर्ण ब्रह्म में डूबे होने वाले व्यक्ति थे, ऐसे तैसे नहीं सुखदेव गोस्वामी। लेकिन भगवान का जो प्रेम है, भगवान की जो भक्ति है, केवल उन्होंने एक श्लोक व्यास देव जी ने उन्हें चार श्लोक चार चेले को सिखा दिया, बोले ये श्लोक को पढ़ते रहना अपने आप जो पकड़ में आए ना समझना ही मेरे तोता है, मेरे तोता कहीं उड़ कर चला गया, मेरे तोते को पकड़ कर ला दो। एक पहला जो शिष्य था उन्होंने पहला श्लोक पढ़ा, बोले बरहा पिडम नटवर बभुः कर्णयो कर्णिकारं
बिभ्रतवास कनक कबिसयम वैजयन्ति च माला रन्ध्रान वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तत गीत कृति। कृष्ण क्या सुंदर है, क्या अपूर्व उनके श्रृंगार है। जब कृष्ण की सुंदरता को, श्रृंगार को उन्होंने सुने, सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्म में डूबे हुए थे निकल गए आगे बाहर। बोले भैया हम तो निराकार निर्विशेष से ब्रह्म को मैं ध्यान करता हूँ, उसका तो कोई रूप गुण है ही नहीं, इतने सुंदर कोई है जगत में, वो निकल करके आ गए। बोले भैया ये श्लोक मिला कहाँ से? बोले हम तो तोता पकड़ने आ रहे थे, एक बाबा ने कहा जो ये श्लोक सुन करके जो मेरे जो तोता पकड़ में आएगा समझना मेरा तोता। बोले भैया मैं वही तोता हूँ। बोले इतने सुंदर है? बोले हाँ। बोले जो इतना सुंदर वो रहते कहाँ पर? उनका जो दूसरा चेला था उसने दूसरा श्लोक को पढ़ा। बोले हाँ दूसरा श्लोक पढ़ दिया। बोले जयति तेधिकम जन्मना प्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दैत दृक्षता दीक्षुतापका त्वयि धृतात्सव त्वां विचिन्वते। हाँ बोले वृंदावन में जन्म हुए हैं। बोले भैया उसके पिता माता कैसे है? बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले भैया मैया का नाम जसोदा और बाबा का नाम क्या? नंद। नंद मतलब है आनंद है, नंद जसोदा मतलब सब कुछ जस दे रही है। बोले भैया पिता माता तो बड़े। बोले भैया का नाम वृंदावन भैया। बोले वाह भैया भी बड़े सुंदर है। हाँ? बोले भैया उसका कोई गुण है कि नहीं? मैं तो अभी एक का नौकरी कर रहा हूँ ब्रह्म का, अभी उसका नौकरी छोड़कर दूसरा का नौकरी करूंगा, ऐसे नहीं उसकी नौकरी छोड़कर भी इसकी नौकरी में आए, ऐसे नहीं बाद में मेरे को ठोकरा नहीं देने दो, मेरे को निकाल नहीं देने दो, कोई गुण है कि नहीं? उनने चतुर्था जो चेला चतुर्था श्लोक पढ़ लिया। बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासयापि असाध्य लेभे कतिम धातुकृतम चतनम कंबा दयालु शरणम ब्रजीम। बोले उनकी गुण वो गुण ही गुण है, ठाकुर तो गुण ही गुण है। ठाकुर जी इतने दयालु इतने कृपालु है, जो पुतना स्तन में कालकुट जहर लेकर मारने के लिए गई थी, लेकिन हमारे प्रभु इतने दयालु है, गुण अवगुण प्रभु देखो ना। ठाकुर जी पुतना को कहाँ भेज दिया? गोलोक वृंदावन दे दिया। जो मारने के लिए आई थी जहर लेकर के आई थी राक्षसी बच्चों को खून पीने वाली, ऐसे व्यक्ति को भी ठाकुर जी गोलोक वृंदावन में भेज दिया। बस सुखदेव गोस्वामी इतना सुने और भागे वहां से। बोले भैया इसको छोड़ करके और किसको भजन करके, भक्ति करना केवल कन्हैया को ही भक्ति करनी चाहिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कृष्ण ने कहा गोपी तुमको बांध दिया थोड़ी कोई बड़ी भारी बात है, तो बड़े बड़े ज्ञानी को भी बड़े बड़े आत्मा में रमण करने वाले जोगियों को भी अपना प्रेम राज्य में सबको मैं बांध डालता हूँ। बोले इतने बोले और क्या बास कन्हैया आपको दिखाई भाग्य। इसलिए कृष्ण भी एक दिन और एक गोपी घर में पहुंचे। जब गोपी घर में चोरी करने पहुंचे इतने में वो गोपी पहले से छुप कर बैठी थी। आज कन्हैया आएंगे तो मैया को मैं बोलती ना मैया मानती नहीं, आज तो मैया के पास पकड़ कर ले जाओ यार। वो बैठी हुई थी छुप करके कोने में। कन्हैया जब मक्खन उतारे मक्खन खा लिया झट पकड़ ली। बोले कहाँ जाओगे? चल मैया के पास में। मैया मानती नहीं तुम मक्खन चोरी कर जाओ। कन्हैया ने कहा गोपी तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे खसम का पाँव पड़ता हूँ, तेरे बिछुआ की पाँव आज छोड़ दे, कल से मैं आऊंगा नहीं। बोले नहीं चल पिताजी मैया के पास में। कन्हैया को पकड़ करके ले आए। जब ले आए देखा घर को सामने नंद बाबा बैठे। नंद बाबा जेठ लगते हैं, जेठ जानते कि नहीं? हाँ बड़े भाई का जो बड़े भाई कहते पति का जो बड़े भाई, पहले जेठ को सामने कोई नहीं जानते, अपना घूंघट उतार देते थे। बोले जेठ बैठे हैं वो घूंघट उतार दी और कन्हैया के ऊपर ना कपड़ा डाल दिया ढक दिया। बोले स्त्री स्त्रियों का बाद पीछे दरवाजा से मैं ले आऊंगी, लेकिन कृष्ण तो ईश्वर है, जब कपड़ा ढक दिया ना कृष्ण बदल गए।
वो बदल गई कृष्ण, बचकर उसका बच्चे बन गई और पीछे दरवाजा से वो आई, आकर के जोर जोर से पुकार लगाई, बोले मैया जसोदे। बोले कहा बात है? बोले तू मानती नहीं, तेरे लाला मेरे घर घर में मक्खन चोरी करता है, आज तो मैं रंगे हाथों से पकड़ करके लाई हूँ। उसी समय मैया जसोदा कन्या को पलंग को पर ना थप थप लगा के सुला रही थी। बोले भैया मेरे लाला तो घर में सो रहा है, इसको पकड़ करके लाई है। इतने में मैया निकल करके आई, आकर बोले कहा बात है? बोले तू मानती नहीं, तेरे लाला मक्खन चोरी करता है, आज रंगे हाथों से लाई हूँ। बोले क्या बाबरी बन गई? अरे मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है। बोले अंदर में कहाँ? इतने में उसने अपना घंघट घूंघट उतारी और जो कन्या के ऊपर कपड़ा रख दिया था ना, उसके कपड़ा को निकाली, देखा अपना बेटा है वो, कृष्ण नहीं अपना बेटा। वो गोपी तो अक्के बक्के चक्के हो गई, क्या ये दरवाजा के तक कृष्ण था और ये कपड़ा ढकती, ये बदले गया कैसे? मैया ने बोली तेरे को शर्म नहीं आता है? मेरे लाला घर छोड़ कर कहीं जाता है नहीं, तो झूठ मूठ का बात बनाती हो। इतने में हाँ वो इतने शर्मिंदा हो गई, इतने शर्मिंदा हो गई, सिर नीचा करके बाप चली गई। जब चली गई ना, कृष्ण दूसरे रास्ता से आ गया। बोले क्यों गोपी? क्या बात है? मैं तेरे पाप पड़ा, तेरे खसम का, तेरे बिछुआ की तुमने मानी नहीं ना, देखा आज तेरे बेटे को मैंने चोर बना दिया। अगर कभी भविष्य में फिर पकड़ करके लाओगे ना, तेरे पति को चोर बना दूंगा। बोले कन्हैया और मैं कान पकड़ती हूँ, मैं हार गई हूँ। ऐसे एक गोपी हाँ, एक दिन नई गोपी कोई ब्रज में आई, बड़ी जोर जबरदस्ती गोपी थी हाँ, बड़ी जोर जबरदस्ती गोपी थी। इतने में क्या हुआ, वो गोपी ने सुनी कृष्ण तो मक्खन चोरी करते हैं लेकिन किसका पकड़ में नहीं आते। बोले देखती हूँ कैसे पकड़ में नहीं आती है। वो गोपी आज सवेरे सवेरे लठिया लेकर ना घर दरवाजे के सामने बैठी गई। जब सामने बैठी गई, कृष्ण सखाओं के साथ में आए, आकर के देखा कि गोपी लठिया लेकर बैठी हुई, कृष्ण एक चक्कर लगाकर चले गए। कृष्ण थोड़ी देर बाद में फिर दूसरे चक्कर लगाए, लेकिन वो गोपी हट नहीं रही थी, वो जगह से बैठी हुई थी। जब उनने तीसरे चक्कर कृष्ण लगाए ना, कृष्ण गोपी ने कहा कन्हैया आज दाल गलने वाली नहीं है, आज मैं बैठी हूँ। कृष्ण ने कहा मैं तो किसी शुभ काम में जा रहा था, तुमने मेरे को टोक दिया हैं। मतलब तेरे सारे नारी नक्षत्र मेरे को बताए, तू क्या करता नहीं करता, अगर कल आया ना सीधा पकड़ करके मैया के पास में ले जाऊंगी। कन्हैया तो दूसरे दिन उसी गली में आना ही छोड़ दिया। लेकिन ये गोपियों को कृष्ण को देखे बगैर उनका चैन कहाँ पड़ता है हाँ? इनके चैन नहीं पड़ता। एक प्रहर हो गया कृष्ण गली में नहीं आए, दो प्रहर हो गया, जब तीसरे प्रहर में कन्हैया आए नहीं, फिर तो गोपियों को रहा नहीं गया हाँ। इनकी जो प्रेम को बताए गोपी गीत में कहते हैं, बोले त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कौन्तलम श्रीमुखम चते जड़ो दीक्षताम पक्ष्म की दृशा। गोपियां कहती हैं कृष्ण जब गया चरा तो ये शाम को आते हैं बंसुरी बजाते हैं, बंसुरी ध्वनि सुनते ही सारे ब्रजवासी सारे काम धाम छोड़कर सामने आ जाते हैं, कृष्ण को दर्शन करती हैं। दर्शन करते समय उदाहरण देते हैं, कृष्ण का जो मुख है कमल है हाँ? और उनका जो घुंघराले जो केस है वो क्या है, जैसे भ्रमर जैसे कमल पुष्पों को मंडराते हैं, और जो गैया का खुर से जो धूल उड़ा है जैसे कमल पुष्प में जो पराग है हाँ? अरे गोपियां जब कृष्ण का रूप को दर्शन करती हैं, उसी समय पलक झपते ही, पलक झपते पता नहीं चलता कितना जल्दी झपता है, लेकिन इतना समय भी जो पलक झपता है, इतने समय को गोपियां कहती है त्रुटि जुड़ायते त्वाम अपश्यताम, हे ब्रह्मा तुमने इतने सुंदर कृष्ण देखने के लिए तू कल दो आंख दे दिया और उसमें मेरे पलक भी तुमने दे दिया, तेरे को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, अगर हम ब्रह्मा होते ना तुमको सिखा देते कृष्ण का दर्शन करने के लिए कैसे आंख देनी चाहिए थी। इनकी प्रेम ऐसे मतलब एक पलक झपते ही लगता करोड़ों युग जैसे हमने कृष्ण को नहीं देखा, इनके प्रेम ये है हाँ? इसलिए आज गोपी यहाँ पर जो कृष्ण तीसरा बार हो गए आए नहीं, जितने गोपियां है ना तर्रान लगे, आज सारा दिन ये मक्खन चोर का मुंह नहीं देखा। गोपियां तो झुंड के झुंड बना करके मैया जसोदा के पास में आ गई, आकर के इधर तो कन्हैया को देख रही हैं और इधर मैया को शिकायत कर रही हैं। शिकायत करने नहीं आई, कृष्ण को देखने के लिए आई,
देख रही है इधर, बोल रही है इधर, हाँ देख रही है कृष्ण जैसे कृष्ण जैसे हाँ कृष्ण को देख रही है, कहते मैया मैया हम तो लगता है ब्रज छोड़कर और कहीं चले जाएंगे। बोले क्यों, क्या बात है, क्या बात क्या है? बोले करे लाला हमारा घर, मेरे घर में मक्खन चोरी करता है। मैया बोले देखो एक काम करी हो, मेरे लाला है ना छिके के ऊपर में मक्खन रखना, मेरे लाला का हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले मैया हमने वो भी कर लिया। बोले फिर कोई सीढ़ी क्या बनाया? बोले सीढ़ी बनाने का जरूरत नहीं, बलदेव रोथरा मोटे उनको नीचे बैठा देते, उसको पर मधुमंगल फिर श्रीदाम कृष्ण खुद ऊपर में चढ़ जाते हैं और मटकी उतार के खा लेते हैं। मैया बोली और एक काम करियो, मेरे लाला अंधकार को बहुत डरता है। बोले मैया हमने सो भी कर लिया। बोले फिर, बोले तुमने जो लाला को शरीर में वस्त्र पहना है ना, वो अंदर में जाते ही अपने आप वो जो अलंकार है हीरे जवाहरात है वो अपने आप एकदम अलग हो जाता है। बोले लाला शरीर से उतार दो। बोले तेरी सौगंध हाथ मत लगाइयो, हाथ मत लगाइयो। कहते फिर इतने में मैया बोलती है देखो एक काम करियो, मेरे लाला जितना तुम्हारी घर में मक्खन खाता है ना मेरे से डबल डबल ले जाना। कैसे? फिर ठीक है। बोले मैया तेरी आशीर्वाद से हमारे घर में सब कुछ ठीक है। फिर कन्हैया को दर्शन करते हुए देख करके खुश होकर चले जाते हैं। एक दिन मैया ने बोली हाँ कन्हैया लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन है। बोले मैया मेरी शादी नहीं होगी, सब चाहते हम शादी करेंगे शादी करेंगे और तू बोलती मेरी शादी नहीं होगी। बोले बता शादी कैसे होगी, पूरा ब्रज में हला हो गया है, तू मक्खन चोर है, चोर को कोई बेटी देगी बता? चोर को कोई बेटी देगा? लगता है तू कुमारा कुमार रह जाओगे, तेरे शादी वाली नहीं होगी तुम्हारी। इतने में मैया कन्हैया दिखाई भगवान, अगर शादी नहीं होगी तो मेरी गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। फिर कन्हैया सफाई देते हैं, हाँ इतने बढ़िया सफाई उन्होंने दिया। बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। ओरा भयो गई मन को पाछे, ओरा भयो गई मन को पाछे, कृष्ण बहुत बढ़िया सफाई दे दिया। बोले मैया ये बताओ भोर होते ही मेरे को मधुबन भेज दिया, दिन भर गया चराते रहते, शाम को आया तेरे गोद में तो सोया था? बोले हाँ। बोले बताओ बताओ मक्खन चोरी किया? इसलिए मैं बालक बही है, छोटा मैं तो बालक हूँ, अरे इतने छोटे छोटे हाथ है कहीं विधि छिका पायो, बड़े उच्चे छिका में ऊपर में मक्खन रखते हैं, बता मेरे हाथ कैसे पहुंचा? बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ होता है बता। बोले मैया क्या बताऊं, ये जो सखा लोग ना बड़ा दुष्ट है, खूब तो मक्खन खाते हैं और मेरे मुंह में जो जबरदस्ती लगा देते हैं, हाँ जबरदस्ती। कृष्ण कहते हैं मैया लगता है मेरे लाला है ही नहीं, क्योंकि सब दुनिया मेरे को चोर कहते हैं, तुम भी मेरे को चोर कहती हो, लगता है मेरे को तुमने उठा कर कहीं से ले आए। इतना बोलते ही मैया का हृदय तक द्रवीभूत हो जाता है, मैया कन्हैया को गोद में भर लेती है। बोले नहीं लाला तुमने मक्खन नहीं कहा तुमने। फिर कृष्ण बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने मक्खन चोरी है। हमारे संतलों को बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, कृष्ण मक्खन क्यों चोरी करते थे, इसका क्या तात्पर्य है? इसका नाम माखन, कहते मा मतलब नहीं, हाँ कहते जो मक्खन है ना, इसलिए कहते भगवान किस चीज को चोरी करते हैं, हाँ कहते मख मतलब होता है क्रोध,
ना मतलब नहीं, भगवान किसको चोरी करते हैं? बोले जहां पर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जिन्हें ठाकुर उस चीज को चोरी करते हैं। बोले वो चीज क्या है, कहां पर ये काम क्रोध लोभ नहीं है? बोले ये संतों का हृदय में, ये संतों का हृदय में नहीं। इसलिए संतों में सबसे बड़े संत कौन है? ब्रज गोपियां हैं। इसलिए इनका नाम गोपी, गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जो इंद्रियों के द्वारा नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती हैं, ये गोपी हैं। इसे इनके हृदय में ये काम क्रोध नहीं। इसे गोस्वामी जी कहते हैं, बोले संता हृदय ना बनी ता समाना, संता हृदय ना बनी ता समाना, संता हृदय मक्खन उदाहरण दिया लेकिन पूर्ण नहीं। बोले क्यों? बोले संत हृदय नवनीत समाना, उदाहरण तो दिया लेकिन मक्खन कब द्रवीभूत होता है? बोले सूर्य का किरण से। लेकिन संतों का हृदय बोले पर दुख द्रवय संत सुपुनीता, संत का हृदय तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, क्योंकि दूसरों का कष्ट देख करके इनके हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं। इसलिए संत का जो हृदय है मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। ये संत का हृदय है। घर में मक्खन बनाते कि नहीं? घर में मक्खन बनाया हो? हाँ, कैसे मक्खन बनाते हैं? पहले दूध लाओ, हाँ दूध को गर्म करो। बोले मतलब क्या है? बोले दूध गर्म करना मतलब क्या है? जब किसी साधक का हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा हो, भगवान हमें मिले कैसे, ठाकुर जी हमें मिले कैसे, यही उत्कंठा ही गर्म करना। अभी गर्म हो गया फिर उसमें जमा, उसमें दही जमाना पड़ता है, उसमें दही देकर जमाना पड़ेगा। अगर ज्यादा हो जाएगा ना खट्टा हो जाएगा फिर, इसलिए उसमें परिमाण होनी चाहिए, नहीं तो खट्टा हो जाएगी। मतलब ये उसमें दही जमाना मतलब क्या है? उसमें साथ देकर जमाते हैं, क्योंकि ये गुरु मंत्र है। जब किसी साधक का हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा हो, फिर उसको सदगुरु की प्राप्ति होती है। सदगुरु उसको जो मंत्र देते हैं यही दही जमाना है। इसलिए जैसे कृष्ण राम सीता दुआ करें लेकिन साक्षात भगवान को भी प्रसिद्ध बदल देता है ये मंत्र। इसलिए कहते हैं कभी दही जम गया फिर उसके बाद मेरे मंथन कर, मंथन किया है, अरे मंथन है गुरु जी से तो मंत्र मिला है, अभी हमें साधन करना है। कल मंत्र लेकर जैसे हम यहाँ से इंडिया जाएंगे, अगर टिकट पकेट अगर टिकट हमें रखे देंगे पकेट में थोड़ी पहुंच जाएंगे, हमें एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा, वहां पर फिर हमें बड़ी कार लेना पड़ेगा, फिर जाकर एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा, फिर तो जाएंगे ना। कहते उसी तरह हम तो गुरु किया है, लेकिन जब तक हम साधन नहीं करते हैं तब तक हम भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे गोस्वामियों ने संख्यापुर नाम गान नति भी कालावसान कृतो, जिस संख्यापुर नाम का कीर्तन भजन पूजा पाठ जब करेंगे तब तो भगवान मिलेंगे। इसलिए मंथन मतलब होता है साधन। जब हम साधन करेंगे एक तरफ में मक्खन निकलेगा दूसरे तरफ में छाछ, हाँ फिर मक्खन क्या है? बोले मक्खन मतलब प्रेम। जब हम साधन करेंगे हमारा हृदय में प्रेम प्रकट होगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं प्रेम का दो लक्षण है, कहते प्रेम का एक लक्षण है श्री कृष्णा कर्षणी चसा, भगवान को आकर्षण करता है। इसलिए ध्रुव जी भगवान को पास में गए ना, भगवान ध्रुव जी को पास में है, बताओ भगवान ध्रुव जी के पास में है, हाँ प्रहलाद नरसिंह को पास में गए ना, नरसिंह प्रहलाद को पास में आए, भगवान भक्तों के पास में आए, कृष्ण गोपियों को पास में जा रहे हैं ना, गोपियां कृष्ण के पास में गए, बताओ गोपियां कृष्ण के पास में गए ना, कृष्ण गोपियों के घर में आते हैं। ये प्रेम की लक्षण है, श्री कृष्ण कर्षण चसा, भगवान को जो प्रेम है उनको बलात् आकर्षण करता है, हाँ उनको आकर्षण करता है। और सांद्र नाम का विशेषात्मा, जैसे दूध को गर्म करते करते राबड़ी बन जाती है, उसी तरह ये भक्ति करते 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 प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम
एक दिन भक्ति करते करते एक दिन कृष्ण भक्ति रस में हम संपूर्ण उसमें सराबर हो जाते हैं, ये भक्ति रस है। इसलिए मैया हमारे श्री मैया रोहिणी ये द्वारका वासियों को महिषियों को अंदर में सब कथा सुना रही है, कृष्ण कैसे कैसे लीला की है, क्यों कृष्ण लीला में इतने माधुर्य है। जो बाकी रह गया फिर हम कल सुनेंगे जगन्नाथ कैसे प्रकट होते हैं, जगन्नाथ का क्यों प्रेम में जगन्नाथ का हाथ क्यों बना है। ठीक है, बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री बलदेव प्रभु की, बोले श्री सुभद्रा देवी की, बोले श्री सुदर्शन चक्र की, हिताई गौर प्रेमानंद हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare,
Need that, right? Yeah.